बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा HEC अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फेज टू के बारे में। इसके बारे में मजीद डिटेल कम्प्लीटली आपको बताऊंगा कि इसके के लिए आपने क्या क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इसमें एलिजिबल हैं वो अपना अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अलावा के सारी की सारी इसके बारे में डिटेल आपको अप्लाई कैसे करना है वो सारी की सारी आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो डिस्क्रिप्शन के बारे में देखते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन है जी, ऑर्गेनाइजेशन इसकी कौन सी है, HEC की तरफ से ये दी जाएगी आपको। तो HEC एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फेज टू इसका नाम है, ठीक है जी। यूनिवर्सिटी, इसमें यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी अवेलेबल हैं जो कि आपको ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं, इसमें पाकिस्तान थ्रू आउट पाकिस्तान बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका लिंक मैं आपको आगे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट इसमें मल्टीपल हैं बहुत सारी, उसकी भी वाइड वैरायटी है, वो भी आपको आगे मैं बता दूंगा कौन कौन से अप्लाई करने के लिए मौजूद हैं हमारे पास डिपार्टमेंट के, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स लेवल इसका है जी अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज। अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज वाले ही सिर्फ अप्लाई कर सकेंगे जो ऐसे बच्चे जो कि अभी लेटेस्ट ही इनरोल हुए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है जी, और या फिर जिन्होंने एक सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया हुआ वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अवार्ड है जी इसका कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप होगी आपको, तकरीबन जो आपकी टोटल फीस होगी वो जो आप पे करते हैं यूनिवर्सिटी को अपनी को वो सारी की सारी रिफंड होती जाया करेगी। एक्सेस मोड है इसका अप्लाई करने का ऑनलाइन, आपने घर बैठ के अप्लाई करना है, किसी एजेंट को पैसे नहीं देने, किसी से के थ्रू अप्लाई नहीं करवाना, कुछ भी आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी नेशनल स्टूडेंट्स के लिए है जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, सिर्फ वही इसके लिए एलिजिबल हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर ही रह के बंदा इसको अवार्ड को यानी कि हासिल कर सकता है। द अवार्ड कैन बी टेकन इन द पाकिस्तान ओनली। एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है जी 7 सितंबर 2020 से, और लास्ट डेट इसकी है अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन डेडलाइन जो है 30 अक्टूबर 2020, यानी कि आपके पास अभी काफी टाइम मौजूद है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है, कि कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फॉर एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर देयर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो मतलब इसमें अप्लाई करना चाहता है, जो कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनमें ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत ये चीजें होनी चाहिए, जैसा कि स्टूडेंट्स मस्ट न्यूली एडमिटेड इन पाकिस्तानी HEC रेकग्नाइज यूनिवर्सिटी। एक तो ये है कि स्टूडेंट जो है न्यूली एडमिशन वाला होना चाहिए, जिसने अभी अभी ताज़ा एडमिशन लिया हो या फर्स्ट सेमेस्टर वाला बचा हो, ठीक है जी, पाकिस्तानी HEC रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी के अंदर। यानी कि HEC जिन यूनिवर्सिटीज को रेकोगनाइज करता है, HEC की वेबसाइट पे जाके आप लिस्ट चेक कर सकते हैं HEC रेकोगनाइज यूनिवर्सिटीज की, वो उसमें आप जिस यूनिवर्सिटी का नाम आता है सिर्फ उसके ही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन मस्ट बी ऑन मेरिट बेसिस, ये है कि आपका एडमिशन प्राइवेट नहीं होना चाहिए, मेरिट बेस पे होना चाहिए, आपके नंबर अच्छे हों, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। डिग्री प्रोग्राम, आप ऐसे डिग्री प्रोग्राम में पढ़ रहे हो जो कि HEC की तरफ से अलाउड है, कुछ ऐसी डिग्रीज भी हैं जो कि HEC अलाउ नहीं करता लेकिन फिर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी उनको करवा रही है, तो इसलिए वो वाले बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एंड एज लिमिट इज द सेम एज द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट फॉर द एडमिशन। एज लिमिट आपकी वही है जितनी है कि आपको एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी में चाहिए होती है, ठीक है जी। तो अगर इन एलिजिबिलिटी की बात करें तो यानी कि ऐसे बच्चे जो कि हासिल नहीं कर सकते स्कॉलरशिप को, वो कौन कौन से हो सकते हैं जी, अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप और कंटिन्यूस ग्रांट, जिनके पास पहले से कोई उनको यानी कि स्कॉलरशिप कोई पहले से मिल रही है या फिर कंटिन्यूस ग्रांट कोई उनको मिलती आ रही है शुरू से, वो ये इसके लिए इन एलिजिबल होंगे। Enrolled in a distant learning programs and affiliated colleges. अब distant learning programs वाले भी इसमें apply नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा जितने भी affiliated colleges वगैरह हैं उनके बच्चे भी बेशक वो public हों या private हों, वो apply करने के अहल नहीं है। Secured admission on the self-sustained, कि आपने self support पे self finance basis पे अपने ही दम पे admission लिया हो, ठीक है जी, और इन इवनिंग प्रोग्राम्स विद हायर फी स्ट्रक्चर, और इवनिंग प्रोग्राम्स वाले जिनकी फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है होती है, यानी कि आमतौर पर अमूमन यही होता है कि इवनिंग जो होता है ना प्रोग्राम्स उनमें फीस स्ट्रक्चर उनकी फीस ज्यादा होती है, तो वो वाले बच्चे इसमें अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं है। अब कुछ यानी मैंने यूनिवर्सिटीज को आपके लिए लिख दिया है यहाँ पे, जो कि सिर्फ पंजाब सेक्टर की मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है, बाकी जो KPK हो गया, बाकी जितने भी हमारे इधर उधर हैं हमारे सूबे बाकी,
उधर के जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप यूनिवर्सिटी उनकी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है आपको ये एहसास प्रोग्राम स्कॉलरशिप। पंजाब सेक्टर में आप अगर बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी लाहौर है, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर है, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट ये भी प्रोवाइड कर रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर ITU जिसे कहते हैं, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी भी इसको प्रोवाइड कर रही है, किनड कॉलेज फॉर वुमेन लाहौर और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स NCA, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी RMU, ठीक है जी, ये भी क्या है उसके अलावा ये भी आपको यानी कि प्रोवाइड कर रही है ये वाली स्कॉलरशिप। उसके अलावा UVAS लाहौर ये भी प्रोवाइड करती है, और PFID लाहौर ये भी प्रोवाइड कर रही है, यानी कि उसके स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल, फातिमा जिनाह वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा, UET टेक्सला, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, एंड फर्दर ऑन देखते हैं जी UET लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस UHS, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा और एरिड एग्रीकल्चर रावलपिंडी, ठीक है जी, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जीसी यूनिवर्सिटी वुमेन फैसलाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, गाजी यूनिवर्सिटी डीजी खान, BZU मुल्तान, वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान और MNS UET मुल्तान, इसी तरह MNS एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान, कंटिन्यू करते हैं जी, NFC EIT मुल्तान, निस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान ये भी इसके अंदर प्रोवाइडेड की गई है, IUB भावलपुर, GSCW यूनिवर्सिटी जो है भावलपुर की ये भी प्रोवाइड करती है, चौलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज भावलपुर ये भी प्रोवाइड करेंगे आपको ये स्कॉलरशिप, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीमिया खान, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की, यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली, यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स लाहौर। तो ये सारी की सारी तकरीबन 42-43 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं कि आप अगर इनके स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको अचीव कर सकते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप को। इंपॉर्टेंट URLs आपको मैं बता दूं कि अगर आपने अप्लाई करना है इसके लिए डायरेक्टली, आपने इधर उधर किसी भी बंदे के पास नहीं जाना कि यार मुझे अप्लाई कर दो, आप खुद घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अगर बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और कंप्यूटर होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए sas.hec.government.pk/login इस पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं ओनली। और अगर आपने यूनिवर्सिटीज चेक करनी है कि यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी स्कॉलरशिप दे रही है पंजाब के अलावा, पंजाब की मैंने लिस्ट आपको सारी बता दी, और पंजाब के अलावा केपी के सिंध हो गया, बाकी जो बलोचिस्तान जितने भी आपके सूबे हैं वहाँ के बच्चे अगर अपनी 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 यूनिवर्सिटी चेक करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट www.hec.pk/english-service-students-ehsas-documents-ehsas-uni-list.pdf पे जाके आप चेक कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट चेक करते हैं जी, अब आपको देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। सबसे पहली बात है कि डॉक्यूमेंट्स आप के पास होना चाहिए आपका ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल की बजाय कॉपी ऑफ एप्लीकेंट CNIC या बेफाम, आपके पास CNIC का बेफाम का कॉपी होना चाहिए। इसी तरह अपने फादर मदर या गार्डियन का CNIC होना चाहिए, सैलरी स्लिप जिसे पे स्लिप भी कहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट फादर गार्डियन या मदर का, अगर आपके फादर लेबर हैं डेली वेजेस पे हैं, शॉपकीपर हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, एक इनकम सर्टिफिकेट तक आपने एक अंडरटेकिंग लगा देना है, एक इनकम सर्टिफिकेट ऑन मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टैम्प पेपर ₹50 का, और उसके अलावा आपको क्या चाहिए होगा, कॉपी ऑफ लिस्ट ऑफ लास्ट 6 months यूटिलिटी बिल्स, यानी कि जिसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी गैस टेलीफोन और वाटर इफ एप्लीकेबल, तो ये सारे के सारे आपके लास्ट 6 months के बिल आ जाएंगे, और कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट इन केस ऑफ रेंटेड हाउस, अगर आप किसी रेंटेड हाउस में रह रहे हैं जो कि रेंट पे आप रह रहे हैं, ठीक है, तो उसकी कॉपी ऑफ रेंटेड एग्रीमेंट देंगे, कॉपी ऑफ लास्ट फी रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेंट्स एंड सिबलिंग्स, आप अपनी और अपने बहन भाइयों की जो लास्ट आपने फीस किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल में या फिर कॉलेज में आपने यानी कि दी है उसकी आप एक कॉपी देंगे फीस रिसिप्ट की। उसके अलावा मेडिकल बिल्स या फिर एक्सपेंडिचर के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो अगर एप्लीकेबल हो तो वो देंगे, पासपोर्ट साइज एक फोटो अटैच करेंगे आप, और वन पिक्चर ऑफ हाउस फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ फ्रंट, अपने घर के बाहर खड़े होकर एक पिक्चर लेंगे और वो भी इसके साथ अटैच होगी। तो
तो बेनिफिट्स इसके देख लेते हैं जी, बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स इसके ये हैं कि एसआर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप इज अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप बाय एचईसी, एचईसी की तरफ से दी जा रही है एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसके साथ है, विच विल कवर यूनिवर्सिटी फी एज पर एक्चुअल फी एज पर एक्चुअल और एनुअल स्टाइपेंड। तकरीबन हर तकरीबन आपको पर सेमेस्टर की फीस या फिर आपको अगर सालाना फीस आती है तो वो सारी की सारी रिफंड कर दी जाएगी एचईसी और गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। इसको अप्लाई करने के लिए तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई करने के लिए देखते हैं जी कैसे करना है हमने अप्लाई। सिंपल सा इसके अंदर इसके लिए तरीका है आपने कैसे अप्लाई करना है ये देखें। मैंने वो पहले ही इस पेज को खोल लिया हुआ है, sas.hec.government.pk login में आ जाएंगे आप। यहाँ पे जैसा कि मैंने तो आप पहले ही अप्लाई करने के लिए इसको साइन अप किया था, अगर आपने साइन अप नहीं किया हुआ तो आप यहाँ से साइन अप करेंगे, ठीक है जी। और अगर उसमें जाके एक मिनट देख लेते हैं कि साइन अप कैसे करेंगे। साइन अप करने के लिए क्या करेंगे जी, आप अपना प्लीज एंटर योर 13 डिजिट्स नादरा सीएनआईसी नंबर विदाउट डैशेस। डैशेस के बगैर जब आपने अपना सीएनआईसी देना है ना ये इस अकाउंट को बनाने के लिए, आपने अपना सीएनआईसी नंबर देना है जो कि नादरा की तरफ से आपको दिया गया, और डैशेस के बगैर देना है यहाँ पे। और इन द केस यू डू नॉट हैव नादरा सीएनआईसी, अगर आपके पास नादरा का सीएनआईसी नहीं है, अभी आप छोटे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बेफॉर्म अपना डैशेस के बगैर यहाँ पे देंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है जी। जैसे कि मेरा नाम अली हैदर है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अली, और यहाँ पे लिखूंगा लास्ट नेम में हैदर। नेशनलिटी आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए इसलिए पाकिस्तान, ठीक है जी। उसके अलावा सीएनआईसी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें सीएनआईसी आपका नंबर आ जाएगा, अगर आप बेफॉर्म देना चाहें तो यहाँ पे बेफॉर्म नंबर आ जाएगा सोम, ठीक है जी। और फिर आप एक पासवर्ड रखेंगे जिसको आप फिर कन्फर्म पासवर्ड करेंगे, और यहाँ पर आपका फोन नंबर कि आप पाकिस्तानी हैं तो प्राइमरी सेल कंट्री, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी सेल फोन नंबर, यहाँ पे अपना फोन नंबर लिख देंगे प्लस 92 के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे एक प्राइमरी ईमेल जो कि आपको आपकी जीमेल बनी हुई है वो आपको चाहिए होगी यहाँ पे। तो उसके बाद जब आप देखेंगे कि आपने हर चीज को फिलअप कर दिया है तो आप क्या करेंगे, आप इसके लिए साइन अप कर देंगे। जब आपका साइन अप हो जाएगा तो एक आपको प्राइमरी ईमेल जो आपने प्रोवाइड किया उस ईमेल पे आपके पास एक लिंक आएगा, जिस लिंक को आपने क्लिक करके अपना जो आपके पास ये अकाउंट होगा इसको एक्टिव कर लेना है, ठीक है जी। क्योंकि मैंने हर चीज ये की हुई है तो पहले इस सिंपल मैंने इसमें देखें अपना साइन इन करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे मैंने अपना सीएनआईसी नंबर लिख दिया, यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब जब इसको साइन इन करता हूं तो मेरे पास कुछ ऐसा खुलेगा, ये देखें जी आपके पास ये इस तरह स्क्रीन शो होना शुरू हो जाएगी, जहां पे आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने अप्लाई करने के लिए पहले भी एक वीडियो बनाने के लिए मैं इसको अप्लाई किया था, तो उसमें मेरी एप्लीकेशन आईडी वगैरह शो हो रही है। अगर आप न्यू आईडी आप जब न्यू बनाएंगे तो आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी वगैरह में कुछ भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है जी। तो अब आपने जब अप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखेंगे कि क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एसआर स्कॉलरशिप प्रोग्राम ओपन टिल 30 अक्टूबर, जो कि 30 अक्टूबर तक ओपन है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। जी तो कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा, क्योंकि मैंने इसको पहले ओपन किया था इसलिए वो कह रहा है वेलकम बैक क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड विद फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन आपकी दफा ये नहीं आएगा, ठीक है जी। जैसे कि मैंने इसको फिल पहले थोड़ा सा किया हुआ है, इसमें अगर आप लड़के हैं यहाँ पे आपने फोटो अपनी अपलोड कर देनी है, ठीक है, आपका ईमेल और फोन नंबर वही जो आपने साइन क्रिएट अकाउंट क्रिएट करते वक्त दिया था वही यहाँ पे खुद ब खुद आ गया, ठीक है। अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पे मिसेज आ जाएगा, जो भी आपका टाइटल है मिस्टर डॉक्टर मिसेज इंजीनियर जो भी है आपका आ जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट नेम में आपका जैसे मैंने अली हैदर लिख दिया, और मिडल नेम और अगर नहीं है तो कोई भी खाली छोड़ देंगे, लास्ट नेम में हैदर आ गया। अगर आपका नाम होता अली हैदर मुगल तो आप क्या करते, अली इधर लिखते, मिडल में हैदर लिखते और लास्ट नेम में मुगल लिख देते, ठीक है जी। तो उसके बाद जेंडर आप बताएंगे, जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल है या फिर अदर्स है। तो यहाँ पे आप मेल पे मैंने कर दिया जैसे, ठीक है जी। मैरिटल स्टेटस आपका सिंगल है, मैरिड है या फिर डाइवोर्स है, और उसके अलावा विडोड है, तो इसमें से आपने सिलेक्शन कर लेनी है। उसके बाद जैसे कि मैंने बायोजियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में देखा तो डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, वो डेट ऑफ बर्थ मैंने कोई भी दे दी, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ एज पूछेगा, मैंने यहाँ पे एज भी प्रोवाइड कर दी उसको। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, क्योंकि पाकिस्तानी आप हैं तो पाकिस्तान लिखेंगे इधर,
इस्लाम है हमारा रिलीजन तो इस्लाम लिखेंगे, अगर आप कोई और से रिलेटेड हैं तो आप हिंदुइज्म, अहमदी, क्रिश्चियनिटी और अदर्स आप क्लिक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। डोमिसाइल आपका पंजाब का बना हुआ है तो पंजाब का, ठीक है, अगर कहीं और का तो वहाँ का लिख देंगे। डोमिसाइल सिटी आपकी कौन सी है, जैसे मेरी फैसलाबाद है तो मैंने फैसलाबाद पे क्लिक किया है, ठीक है। इसी तरह डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा उसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो उसके बाद आ गया जी फादर, फादर्स इन्फॉर्मेशन वो पूछ रहा है। फादर्स इन्फॉर्मेशन जैसे कि मेरे पापा का नाम मोहम्मद लतीफ था तो मैंने वो फिलअप कर दिया। यहाँ पे CNIC नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पे मैं CNIC नंबर कुछ भी दे दूंगा। और इसी तरह उसके बाद वो कहता है कि फादर स्टेटस क्या है, अगर जिंदा है तो आप लिखेंगे अलाइव और डेथ हो चुकी है तो डिसीज, ठीक है जी। फर्दर चलते हैं आपके पास, फर्दर आपको पूछ रहा है कि आपका जो पोस्टल एड्रेस इन्फॉर्मेशन है वो क्या चीज़ है, वो बताएंगे आप टाइप मेलिंग, और कंट्री आपकी पूछेगा पाकिस्तानी है, ठीक है जी, और सिटी फैसलाबाद है, डिस्ट्रिक्ट आपका फैसलाबाद, पोस्टल कोड फैसलाबाद का 38,000 होता है, और एड्रेस आप कोई भी, मैं अपना जो जहाँ पे आप रह रहे हैं वो एड्रेस मेंशन कर देंगे, जैसे मैंने ये प्रोवाइड कर दिया। फिर नेशनैलिटी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने का CNIC नंबर जो कि यहाँ पे दिया हुआ है विदाउट डैशेज दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आप ये CNIC और पाकिस्तान और नेक्स्ट कंटिन्यू कर देंगे आप। जब आप नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास वो एजुकेशन पे आ जाएगा, आपने पहले पर्सनल डिटेल्स दे दी हैं, ठीक है, अब आ जाएगा वो एजुकेशन पे। तो एजुकेशन में आप क्या करेंगे, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आप मैट्रिक के बारे में डिटेल्स देंगे, फिर इंटरमीडिएट के बारे में डिटेल्स देंगे, और फिर उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स देंगे, ठीक है जी, जिसमें आपने एडमिशन लिया है। तो आप सबसे पहले सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की बात करें तो यानी कि मैट्रिक लेवल की बात करें तो इसमें आपका इंस्टीट्यूट पूछता है, तो इंस्टीट्यूट कोई भी जो भी हो आपका, जैसे कि मैंने कुछ भी लिख दिया, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल अपना एक्यूरेट परफॉर्म करना है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इसका। पासिंग ईयर आपका जो भी होगा, मैंने 2014 लिख दिया, ठीक है। मंथली फीस मेरी 5,000 थी, तो उसके अलावा टोटल मार्क्स जो होते हैं आपकी डिग्री के वो 1,100, और जितने ऑब्टेंड हैं जैसे मैंने 1,000 लिख दिया, ठीक है। तो इसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग इनको फिल कर लेना है। इंटरमीडिएट के लिए अगर बात की जाए तो उसमें क्या है, इंस्टीट्यूट आप बताएंगे, जैसे मैंने इंस्टीट्यूट लिख दिया और उसका पासिंग ईयर लिख दिया, ठीक है जी, आप पासिंग ईयर चूज कर सकते हैं। उसकी मंथली फीस कितनी थी वो आप प्रोवाइड करेंगे, जैसे मैंने 5,500 लिखी हुई है। उसके अलावा टोटल मार्क्स उसके कितने होते हैं उस डिग्री के वो आप प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ऑब्टेंड मार्क्स आ जाएंगे, तो उसमें जिस तरह मैंने 1050 लिख दिया वो आप अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग होंगे वो लिख देंगे। इसी तरह फिर जिस यूनिवर्सिटी यहाँ आपने एडमिशन फर्दर लिया है उसके बारे में आप बताएंगे। यहाँ से आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर लिख दिया। डिग्री लेवल आपका कौन सा है, अंडर ग्रेजुएट ही है। डिसिप्लिन में आप आ जाएंगे, आपका जो भी डिसिप्लिन है, मेडिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, सोशल साइंसेज, वेटरनरी साइंसेज, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, बायोलॉजिकल साइंसेज, एग्रीकल्चर, मैंने एग्रीकल्चर लिख दिया, ठीक है। सब डिसिप्लिन आप बताएंगे, सब डिसिप्लिन कौन सा, एग्रीकल्चर, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, जो भी है उससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, तो जो भी होगा आप प्रोवाइड कर देंगे। आपकी ड्यूरेशन जो है प्रोग्राम की 4 ईयर्स हैं या 5 ईयर्स है, मैं 4 ईयर्स कर देता हूँ। सेमेस्टर आपका कौन सा है, सेमेस्टर आपके पास सेमेस्टर 1 होगा। तो जब सेमेस्टर 1 हो जाएगा तो क्या होगा, आप इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, जो कि आपका यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगी फैमिली इंफॉर्मेशन। फैमिली इंफॉर्मेशन में आप जाके क्या करेंगे जी, एक मिनट जरा। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, गार्डियन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन में, कि गार्डियन आपका कौन है। फादर की स्टेटस आप, जैसे कि मैंने पहले भी वहां पे लिखा था, डिसीज यानी कि डेथ हो चुकी है, अगर आपके अलाइव है तो आप यहाँ पे अलाइव आ जाएगा। तहसील आपकी कौन सी है, तहसील जैसा कि फैसलाबाद, तो यहाँ पे आप फैसलाबाद लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपका फादर की डेथ डेट, यानी कि अगर डेथ हो चुकी है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फादर डिमाइस डेट दे देंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद आपका आ जाएगा गार्डियन जो आपका होगा, फिर उसकी प्रोफेशनल स्टेटस, अर्निंग है तो उसके बाद, अगर अर्निंग है तो अगर वो गवर्नमेंट अर्न कर रहा है यानी कि, तो वहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉयर नेम, गार्डियन डेजिग्नेशन, उनका डेजिग्नेशन क्या है, NTN नंबर, और टैक्स कितना पे कर रहे हैं। उसके अलावा गार्डियन प्रोफेशन आप बताएंगे, बिजनेसमैन है, फार्मर है, लेबरर है, टेलरिंग कर रहा है, नॉट एप्लीकेबल, या फिर जो भी है आपका। तो उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस बताएंगे, एम्प्लॉयर का टेलीफोन नंबर बताएंगे, ऑफिस का टेलीफोन नंबर बताएंगे, मोबाइल नंबर, और उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे
के फाइनेंशियल सपोर्ट अदर देन फादर इनकम, फादर के इनकम से के अलावा आपको कोई अगर सपोर्ट करता है तो आप, जैसे कि मैं सेल्फ पे लिख देता हूँ, ठीक है, अगर इन केस ऑफ नॉट अर्निंग तो नॉट अर्निंग पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, नॉट अर्निंग में आप क्या करेंगे, तो इफ नॉट अर्निंग देन, अगर अर्न नहीं कर रहे तो उसकी वजह क्या है, आपका गार्डियन या फिर फादर अगर अर्न नहीं कर रहे तो एज है या रिटायर्ड है या फिर अदर, तो एज पे क्लिक कर दें अगर है तो, फिर मदर इन्फॉर्मेशन आ जाएगा यहाँ पे, उनका नाम आ जाएगा मदर का, ठीक है जी, यहाँ पे उनका CNIC नंबर आ जाएगा, तो अगर वो अलाइव है या डेथ हो चुकी है, अलाइव वगैरह अगर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि वो हाउस वाइफ है या वर्किंग लेडी है, तो हाउस वाइफ अगर हो तो हाउस वाइफ कर देंगे आप, पेरेंट मदर रिलेशनशिप कंबाइंड रहते हैं कि सेपरेटेड हो गए हैं, तो यहाँ पे वो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, फिर उसके बाद स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में अपना CNIC नंबर का एक्सपायरी डेट आप बताएंगे कि आपका CNIC नंबर पे के ऊपर जो एक्सपायरी डेट लिखी होगी वो क्या है, तो आप वो यहाँ पे बता देंगे, जैसे मैंने अपनी लिख दी, और इसी तरह फैमिली मेंबर इन्फॉर्मेशन कि आपके घर में टोटल फैमिली मेंबर कितने हैं, जैसे कि अगर आप 8 लिख दें, ठीक है, अगर 8 हैं तो 8 जो भी होगा आपका, इसी तरह फिर टोटल अर्निंग मेंबर्स के कितने लोग कमा रहे हैं घर में से, अगर फादर ही कमा रहे हैं सिंपल तो 1 कर देंगे आप, आपके घर में भाई कितने हैं, तो अगर इन केस अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 7 भाई हैं और 7 के 7 भाई हैं, ठीक है, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स 8 टोटल फैमिली मेंबर हैं, तो 1 कमाने वाला तो 7 डिपेंडेंट्स हो गए, ठीक है जी, स्टडीइंग फैमिली मेंबर्स कितने लोग बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो 7 के 7 ही, सॉरी इसको, ठीक है जी, हाँ तो 6 बच्चे पढ़ने वाले हैं, एक आपकी मदर भी आ जाएंगी ना, ठीक है, तो सिस्टर आपकी अगर है तो 1 लिख दें, अगर नहीं है तो 0 लिख दें, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा फैमिली इनकम, फैमिली इनकम के बारे में बताएंगे घर में कौन कमाता है, ऐड मोर करके आप यहाँ पे अर्निंग पर्सन का नेम लिखेंगे, ठीक है जी, उसका प्रोफेशन लिखेंगे जो भी होगा, सो ऑन, मैं सिर्फ तेजी तेजी से आपको समझाने के लिए जो गलत मलत अपनी इन्फॉर्मेशन लिखता जा रहा हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल अकॉर्डिंग अपने घर वालों से पूछ के इस चीज को कम्प्लीट करना है, ठीक है, फाइनेंशियली सपोर्टिंग फैमिली, अगर आपको कोई और फैमिली सपोर्ट कर रही है तो उसके बारे में लिखेंगे येस, अगर नहीं कर रही तो नो, तो रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, आपके जो अर्निंग कर रहा है बंदा उसके साथ रिलेशनशिप क्या है, अगर वो आपका फादर है तो फादर लिख देंगे, सेल्फ है तो सेल्फ लिख देंगे, ब्रदर है जो भी है आप लिख देंगे, तो उसके बाद आ जाएगा जी ऐड मोर, अगर ऐड मोर करना हुआ तो कर लें, नहीं तो आप फर्दर आगे जा सकते हैं, इनकम सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसा कि अगर आपका कोई कैटल फार्म है तो उसके बारे में आप उसकी तरफ से सोर्स ऑफ इनकम अगर कोई आ रही है, आपने कोई हाउस रेंट दिया हुआ है उसके बारे में अगर आ रही है सोर्स ऑफ इनकम, तो जो भी है, अगर आपके लैंड ओन बिजनेस है, स्टॉक प्राइस बॉन्ड्स हैं, कैटल्स हैं, जो भी है, तो अगर आपके पास लैंड ओन बिजनेस है तो क्या है उसकी मंथली इनकम कितनी आ रही है जी, जैसे कि मैं अगर इस तरह लिख दूँ, ठीक है जी, कोई 25,000 लिख दिया मैंने, ईयरली इनकम कितनी बन जाएगी, तो वो तकरीबन वो खुद ब खुद ही कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे चले जाना है, मेक श्योर ऑल मैंडेटरी फील्ड्स आर फिल्ड, देख लेते हैं जी क्या हमने नहीं फील्ड किया, सॉरी, हाँ तो यहाँ पे CNIC नंबर वो कह रहा है ठीक लिखें आप, तो जैसे कि अगर मैं CNIC नंबर मुझे याद नहीं है तो CNIC नंबर लिख के हम आगे मूव ऑन हो सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे भी आपको जैसे कि मैं मदद कर गया हूँ काम थोड़ा सा, तो देख लेते हैं इसको भी, ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, इसको जब हमने कंप्लीट किया नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, नेक्स्ट पेज आ गया हमारा एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर्स में हमें क्या करना है, वो हमसे पूछेगा करंट मंथली एजुकेशन एक्सपेंडिचर्स, आप यहाँ पे जितने आपके बहन भाई हैं उनके महाना खर्चा खर्चा कितना हो रहा है उनकी पढ़ाई पे, वो सारा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी, ऐड करेंगे, सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, उनके आप और एप्लीकेंट वगैरह के साथ जो रिलेशनशिप है वो क्या लिखा है, अगर आप खुद अप्लाई पहला अपना लिख रहे हैं तो सेल्फ लिखेंगे, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम आ जाएगा, आपका टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट पब्लिक है या प्राइवेट है, पब्लिक है तो जो भी है, आपका सेमेस्टर कौन सा है, क्लास कौन सी है, अगर सेमेस्टर 1 है तो एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है उसके ऊपर जितना भी लिख दें, ठीक है, इसी तरह आपने बहन भाइयों का बाकियों का भी लिख देना आपने, ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ये चीज, इंस्टीट्यूट नेम, पब्लिक सेक्टर वगैरह, तो उनकी क्लास कौन सी है, उनकी फीस कितनी है, तो उस इस तरह आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास वो टोटल बताया बता रहा है कि आपका इतना महाना का खर्चा हो रहा है, अब वो कहता है सेल्फ एजुकेशन एक्सपेंडिचर्स, अगर आपके अगर आप किसी हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं तो
तो वहाँ पे लॉजिंग चार्जेस कितने हैं, वो सारा कुछ आप टोटल करके पर मंथ एजुकेशन एक्सपेंडिचर अपना बताओगे कि मेरा कितना आ रहा है जी। तो आप जैसे कि मैं लिख दिया, तो उसके बाद वो कहते हैं मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर्स कितने हैं जी, एवरेज टेलीफोन और टेलीफोन या इंटरनेट बिल, आपका इंटरनेट या टेलीफोन का बिल आपने लास्ट 6 मंथ का देखना है, ठीक है। आपके पास जो बिल होगा उसके ऊपर एक पूरे साल का रिकॉर्ड होता है, आपने सिर्फ लास्ट 6 मंथ का आपस में सम ले लेना है, उनको आपस में जमा करेंगे और 6 पे डिवाइड कर देंगे, जो एवरेज सम आएगा ना उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह बिजली के बिल का पुराने 6 महीनों का आपने यहाँ पे सम अप करके उसको 6 पे डिवाइड करके यहाँ लिख देना है। इसी तरह गैस का आ जाएगा यहाँ पे। तो जैसा कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ वैल्यूज, तो यहाँ पे आ जाएगा जो भी है हमारे पास, ये वैल्यूज मैं सिर्फ सिंपली फील्ड कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो आपके पास मैंडेटरी फील्ड्स हैं, ये आपने अपने देख के कर लेनी है, ठीक है जी। बिल्स वगैरह, तो एवरेज मंथली मोबाइल बिल आपका जो मोबाइल रिचार्ज वगैरह होता है अगर पोस्ट पेड है तो उसके बारे में कितना आपका मंथली लग जाता है। तो उसके बाद आपका एवरेज फैमिली एक्सपेंडिचर ऑन किचन फूड, घर के खाने वगैरह पे कितना आपका तकरीबन आ जाता है खर्चा, तो वो चीज़ आप यहाँ पे फिट करेंगे। एवरेज फैमिली मेडिकल एक्सपेंडिचर, दवाइयों वगैरह पे कितना खर्चा आ जाता है, ठीक है जी। तो फैमिली, उसके अलावा मिस एक्सपेंडिचर यानी कि इसके अलावा इन सब चीज़ों के अलावा जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपका एक्सपेंडिचर है वो कितने हैं, तो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद टोटल वो खुद ब खुद कर लेगा। अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है कि अगर आप अकोमोडेशन में रह रहे हैं, ठीक है, हॉस्टल वगैरह में, तो अपार्टमेंट है, टाउन है, जो भी है, जो आपका जो घर का है वो अपार्टमेंट फ्लैट है, जो भी है स्ट्रक्चर उसका क्या है, कच्चा हाउस है या पक्का हाउस है, सेमी पक्का हाउस है, तो उसके कर देंगे आप। स्टेटस उसका क्या है, आपका अपना है, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट ओन है, फैमिली ओन्ड है, जो भी है। तो नंबर ऑफ बेडरूम्स उसमें कितने हैं, नंबर ऑफ बेडरूम्स बताएंगे ना, टोटल उसका साइज कितना है स्क्वेयर फुट्स में वो आप जैसे बता देंगे। तो उसके बाद कवर्ड एरिया इन स्क्वेयर फुट्स, उसके बाद एरिया उसका बताएंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद आ जाएगा नंबर ऑफ एयर कंडीशनर्स कितने हैं आपके घर में, एयर कंडीशनर्स कितने हैं, अगर है तो 0, 1, 2, 3, 4 या अबव, या अगर नहीं है तो 0 कर देंगे आप उसको। नंबर ऑफ सर्वेंट्स आपके घर में अगर 1, 2 या 3, 4 या अबव अगर है तो जो भी है अगर 0 कर देंगे, नहीं है तो। उसके बाद आपका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, ठीक है जी। नॉट रीयूजेबल इनकम, यहाँ पे आपकी डिटेल ये है कि आप उसने सारी कैलकुलेशन कर ली कि आपकी टोटल मंथली इनकम इतनी है, टोटल एक्सपेंडिचर आपका खर्चा इतना हो रहा है, और जो आपका नुकसान हो रहा है यानी कि जो आपको इधर उधर से पकड़ के देना पड़ रहा है लोगों, वो इतना आपके पास आ रहा है, ठीक है जी, माइनस में। तो ये चीजें अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे उस गैप, ये जो गैप यहाँ पे आ गया इसके बारे में रीजंस दोगे कि हाँ यार हम इतने बहुत गरीब हैं, जो भी है, सारे जो बहन भाई हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं ताकि हमारे एक्सपेंडिचर पूरे हो सके, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा है आपके तो पर अमाउंट मंथ आपकी जो टोटली इनकम है वो कम होती है। अब सारा इसमें यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक किस्म का बना देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास कोई और अपना अकोमोडेशन है, कोई भी फ्लैट आपके ओन है, तो उसकी यहाँ पे आप क्या करेंगे, लोकेशन और साइज बता देंगे, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, और उसके बाद आ जाएंगे आप नेक्स्ट पे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब जब आप नेक्स्ट आ जाएंगे तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसेट डिटेल्स आ गई हैं आपकी, कंप्लीट हो गई है, और आप आखिरी रह गया हमारा स्टेप अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में आप देखेंगे डज फैमिली ओन एनी ट्रांसपोर्ट, अगर आपके घर वालों के पास कोई ट्रांसपोर्ट है यानी कि बाईसाइकिल या मोटरसाइकिल या जो भी है, कार वगैरह अगर आपके पास है, अगर है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। आपके पास कोई कैटल वगैरह है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। इसी तरह एसेट्स की वर्थ बताएंगे आपके, जितना अपना अगर जितने भी हाउसेज हैं उनकी टोटल कितने, टोटल आपके घर हैं, ठीक है, उसकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी है आजकल, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके अलावा बिजनेस वगैरह आपके कोई हैं तो वो यहाँ आप लिखेंगे कितने हैं बिजनेस और उनकी टोटल वैल्यू कितनी है। लैंड एरियाज आपके पास कितने हैं, बैंक बैलेंस कितना है, स्टॉक प्राइस या प्लॉट्स या जो भी है आपका यहाँ पे आप लिख देंगे। अगर आपने लीज पे कोई चीज है तो वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे आप। जब इसको स्पेसिफाई कर देंगे आपकी हर चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंप्लीट अप हो जाएगी। तो आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपकी एडमिशन डिटेल्स के बारे में पूछेगा, एडमिशन डिटेल्स के, हाउ ओवर द एडमिशन, आपका जो एडमिशन है
पहली दफा आपने लेना है वो फर्स्ट और करंट सेमेस्टर का चार्जेस पे आपने पहले कैसे किए हैं। अगर आपने यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया तो आपने पहली दफा अपनी फीस कैसे दी है, आपने किसी से उधार पकड़ के लिया तो यहाँ पे वो ऐसे लिख देंगे हैव यू एवर बीन अवार्डेड एनी अदर स्कॉलरशिप। अगर आपको पहले स्कॉलरशिप मिली है तो यस कर देंगे, अगर नहीं मिली तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में बताएंगे अपना सारा का सारा तकरीबन कि आपको ये स्कॉलरशिप क्यों मिलनी चाहिए, आप इसके एलिजिबल क्यों हो। ठीक है, तकरीबन 50 करेक्टर्स मिनिमम होंगे और उससे ज़्यादा आप खुद भी जितना मर्जी लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछता है कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला, यानी कि स्कॉलरशिप के बारे में, अगर न्यूज़पेपर से पता चला है, बैनर से, ब्रोचर से, किसी दोस्त से, स्कॉलर ऑफ दिस प्रोग्राम से, या अदर से, जो भी है तो आप इसमें कर देंगे। तो उसके बाद आप आई हेयर बाय अंडर दैट टेक दैट एंड अफर्म दैट, ये इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके पास इसकी क्या हो जाए, अब घर बैठे ऑनलाइन आपके पास से ये चल आपकी जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड हो जाएगी। फिर उसके बाद फर्दर आपसे HEC और गवर्नमेंट की तरफ से खुद ब खुद रब्ता किया जाएगा अगर आपका लिस्ट में नाम वगैरह हो तो। ठीक है जी, तो ये था आज का एप्लीकेशन का प्रोसेस कि आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है। ज्यादा से ज्यादा इस पोस्ट को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि जिस बंदे को अगर नहीं भी करना आता वो इसको देख के अप्लाई कर ले। 50,000+ बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलनी है तो लाजमी तौर पर इसमें लोगों को चाहिए कि अप्लाई करें। ये ना हो कि कोई भी किसी कोई पैसों की कमी की वजह से पढ़ ना सके, तो लाजमी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करके लोगों तक लाजमी पहुंचा दीजिएगा। तो इसके अलावा अगर कुछ और आपने मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट्स करके लाजमी मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो नई नई बनाता रहूँगा ताकि आप तक नई नई स्कॉलरशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन पहुँचाता रहूँ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किंग फहद यूनिवर्सिटी पेट्रोलियम एंड मिनरल्स में एक स्कॉलरशिप आई हुई है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप, उसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली मुझे मैसेज कर करके पूछा है कि सर इसमें अप्लाई करने का तरीका बता दें, तो इसलिए मैंने कंप्लीट गाइडेंस पैकेज बनाया है आपके लिए। इस वीडियो के थ्रू आपको सारी की सारी कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी कि कैसे आपने फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है और कैसे वो आप गेन कर भी लेंगे इंशाल्लाह। सो द डीनशिप ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज एट किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल इज सेटिस्फाइड टू रिपोर्ट दैट KFUPM यानी कि किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल गिव्स फुली फंडेड फुल MS एंड PhD ग्रांट्स फॉर रिकॉग्नाइज्ड एलुमनी कैंडिडेट्स हु शो हाई पोटेंशियल फॉर द लीडिंग यूनिक एक्सप्लोरेशन इन द फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड बिजनेस। अच्छा जी, तो यानी कि आपकी ये जो यूनिवर्सिटी है किंग फहद यूनिवर्सिटी, आपको फुली फंडेड MS और PhD के लिए स्कॉलरशिप फ्राहम कर रही है। ठीक है जी, और इसकी तीन फील्ड हैं इंजीनियरिंग साइंसेस और बिजनेस में, इन तीनों फील्ड में फुली फंडेड स्कॉलरशिप फ्राहम की जा रही है। डीनशिप स्कॉलरशिप फुली फंडेड है स्कॉलरशिप किंग फहद यूनिवर्सिटी पेट्रोलियम और मिनरल यूनिवर्सिटी के अंदर ये दी जाएगी। किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल यूनिवर्सिटी हैज अनाउंस्ड इट्स डीनशिप स्कॉलरशिप। अच्छा जी, स्कॉलरशिप का नाम है डीनशिप स्कॉलरशिप 2021। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड कैन अप्लाई, पूरी दुनिया से जितने भी लोग होंगे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए और किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल यूनिवर्सिटी इज प्लीज टू एक्सेप्ट द न्यू एप्लीकेशन फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स टू परस्यू देयर हायर एजुकेशन। आप हायर एजुकेशन के लिए खुद लाजमी भी अप्लाई करें और अपने दोस्तों को भी अप्लाई करवाएं। ठीक है जी, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है MS और PhD के लिए, और MBA के लिए भी आपको फुली फंडेड सऊदी अरेबिया के अंदर फ्राहम कर रहे हैं स्कॉलरशिप इन द सऊदी अरेबिया फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आजकल ओपन है, नाउ ओपन इन द मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में भी और इसके अलावा भी ओपन है। स्टूडेंट कैन अप्लाई इन द एनी डिग्री प्रोग्राम, किसी भी डिग्री प्रोग्राम में, रिसर्च एरियाज में रेलिवेंट टू देयर इंटरेस्ट, जो जो उनके इंटरेस्ट के रेलिवेंट है उनमें, किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी में अप्लाई आप कर सकते हैं सऊदी अरेबिया में। यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो कि तेहरान में मौजूद है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया के तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इसकी
इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर साइंस इंजीनियरिंग बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स मोस्ट हाईली रिगार्डेड हैं, ठीक है जी, यानी कि बहुत पब्लिकली उनके लिए को उनकी काफ़ी मांग है। तो किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू अट्रैक्ट फ्रॉम डाइवर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड कल्चर फॉर द किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम स्कॉलरशिप्स। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो अपना बैकग्राउंड वगैरह एजुकेशनल बैकग्राउंड के को चूज करते हुए इन डिग्री प्रोग्राम्स में आएँ और आके यहाँ इस स्कॉलरशिप के जरिए, फुली फंडेड स्कॉलरशिप के जरिए पढ़ें और अपना फ्यूचर सवार सकें। तो इस वीडियो में जो आपको बताऊँगा कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है जी, कि यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है, किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल। डिपार्टमेंट्स इसमें तीन दिए गए हैं जिसमें आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप फ्राहम की जाएगी, वो है इंजीनियरिंग, साइंसेज एंड मैनेजमेंट। कोर्स लेवल आपको अगर बताऊँ तो कोर्स लेवल आपको मास्टर्स फ्राहम किया जा रहा है, MBA और PhD डिग्रीज। इन तीनों कोर्सेज में आपको फुली फंडेड अवार्ड मिलेगा। लेकिन एक चीज़ जो आपके लिए थोड़ी सी होगी कि एक्सेस मोड इसका ऑनलाइन है सिर्फ। ये जो स्कॉलरशिप आपको दी जा रही है, क्योंकि आजकल COVID-19 चल रहा है, COVID-19 की वजह से काफ़ी सारे काम खराब हुए हैं, जिसकी वजह से सिर्फ पहले तो ये जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती थी वहाँ पे बुला के आपको पढ़ाया जाता था, लेकिन इस दफा जो स्कॉलरशिप उन्होंने दी है सिर्फ ऑनलाइन मोड, एक्सेस मोड दिया है, यानी कि आप अपने पाकिस्तान में ही बैठे ऑनलाइन उनसे टीचिंग हासिल करेंगे। यूनिवर्सिटी डिग्री आपको देगी लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे यहाँ बैठे। नंबर ऑफ अवार्ड्स इसके लिए अभी मालूम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी इन्होंने नहीं दिया। नेशनैलिटी आपकी होनी चाहिए कि आप इंटरनेशनल होने चाहिए, आप सऊदी अरेबिया के ना हो। अवार्ड कैन बी टेकन इन सऊदी अरेबिया, और आप वहाँ जाके भी सऊदी अरेबिया में भी हासिल कर सकते हैं, बेशक आप होने आप इंटरनेशनल चाहिए, बेशक वहाँ बैठ के अप्लाई कर दो, वहाँ से भी हो जाएगा। एप्लीकेशन की स्टार्ट हुई है 1 सितंबर 2020 और डेडलाइन इसकी है 22 सितंबर तक। आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लें। इसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात की जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका ये है कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू स्टडी इन सऊदी अरेबिया। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इंटरेस्ट रखते हैं सऊदी अरेबिया में जाकर पढ़ने को और स्कॉलरशिप को लेना चाह रहे हैं, मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। अब उनको उनके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत कुछ होनी चाहिए कि ये एप्लीकेंट्स फ्रॉम इंटरनेशनल सऊदी नेशनल रेजिडेंट्स इन द सऊदी कैन अप्लाई फॉर द डीनशिप ग्रांट। ऐसे बच्चे जो कि इंटरनेशनल हैं या सऊदी नेशनल हैं या सऊदिया रेजिडेंट्स हैं सऊदिया में, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं इस डीनशिप ग्रांट के लिए। एप्लीकेंट शुड हैव अ बैचलर डिग्री। आपकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट फॉर द मास्टर्स। अगर आपने मास्टर्स में अप्लाई करना है तो आपके पास बैचलर्स डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, और अगर आपने PhD में अप्लाई करना है तो आपके पास मास्टर डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट लाजमी होनी चाहिए, और CGPA आपकी मिनिमम 3 होनी चाहिए, CGPA 4 में से 3 out of 4। और उसके अलावा शुड हैव इन अ गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक होनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग एंड एक्सीलेंस एकेडमिक अचीवमेंट्स, आपकी अचीवमेंट्स के बारे में भी देखा जाएगा कि आप कितना पढ़ने वाले हैं या नहीं हैं। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स ये है कि एप्लीकेंट शुड हैव GMAT टेस्ट स्कोर फॉर MBA। अगर आपने MBA करना है तो स्पेसिफिकली आपके लिए टेस्ट है GMAT, ठीक है, एंड IELTS TOEFL या GRE फॉर द डिसीजन ऑफ स्कॉलरशिप। ये अगर आपने ये किया हुआ है तो आपके लिए बहुत बेहतर है, आप इसके लिए अप्लाई करें, आपको जल्दी से स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आप इनमें से लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी नहीं होती फिर भी मैं आपको कहता हूँ आप अप्लाई लाजमी करें। अगर आपका नाम लिस्ट में आता है तो आपको टाइम दिया जाएगा कि आप उनको ये टेस्ट दे के अपना रिकॉर्ड भेज सको, ठीक है जी। तो इसलिए ये कहीं भी नहीं लिखा होगा आगे जब हम इसका फिल करेंगे कि ये लाजमी तौर पर रिक्वायर्ड है, ये सिर्फ है कि आप बाद में आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने पहले किया हुआ है तो आपको प्रेफरेबली वो पहले पिक कर लेंगे, ठीक है जी। डिसिप्लिन्स अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, इन्होंने जो डिसिप्लिन्स दिए हैं अपनी यूनिवर्सिटी के कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं जहाँ जिसमें ये करवा रहे हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में MSc करवा रहे हैं, ठीक है, जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप देंगे उसके लिहाज से मैंने ये कुछ बना लिए हैं, ठीक है। अप्लाइड स्टैटिक्स में MSc करवा रहे हैं ये।
आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में एमएससी के लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए आप कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह केमिकल इंजीनियरिंग पीएचडी और एमएससी है, केमिस्ट्री में पीएचडी और एमएससी के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पीएचडी और एमएससी के लिए आपको प्रोवाइड की जा रही है स्कॉलरशिप। इसी तरह कंप्यूटर और इंजीनियरिंग में अगर आपने पीएचडी और एमएससी करनी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स वाली फील्ड वाले एमएससी में अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंसेज वाले एमएससी और पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट वाले कर सकते हैं एमएससी में अप्लाई, ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले पीएचडी और एमएससी कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेज वाले ओनली एमएससी है, जियोलॉजी वाले एमएससी और पीएचडी है, और इसी तरह जियोफिजिक्स वाले एमएससी कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग पीएचडी और एमएससी प्रोवाइड की जा रही है, इंफॉर्मेशन अश्योरेंस एंड सिक्योरिटी एमएससी, ठीक है जी। लाइफ साइंसेज एमएससी करवा रहे हैं, मटेरियल साइंस एंड एनर्जी में भी एमएससी करवा रहे हैं, मैथमेटिकल साइंसेज वाले पीएचडी और एमएससी में अप्लाई करने के काबिल होंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले एमएससी और पीएचडी कर सकते हैं। इसी तरह मेडिकल फिजिक्स वाले एमएड फिजिक्स कर सकते हैं जाके वहाँ पे, और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग वाले एमएससी और पीएचडी कर सकते हैं, फिजिक्स वाले एमएससी और पीएचडी करने के एलिजिबल होंगे। इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले एमएससी में जाएंगे, और सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग वाले पीएचडी या एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह टेलीकॉम इंजीनियरिंग वाले भी एमएससी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बहुत सारे एरियाज में आपको इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं आपके लिए, अगर आपके इंटरेस्ट के रेलिवेंट है और आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के रेलिवेंट अगर ये सारे के सारे डिसिप्लिन या प्रोग्राम्स हैं तो आप लाजमी इनमें अप्लाई कीजिए, क्योंकि एक वाफर मिकदार में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी हुई है कि आप इस फील्ड में वाजे तौर पर लिखा हुआ कि अप्लाई कर सकते हैं, इनके पास फील्ड काफी ज्यादा है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे, पहले आपने चेकअप कर लेना है कि आपके पास ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है, वो है आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो नेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए अगर आप सऊदी स्टूडेंट हैं, या इकामा होना चाहिए रेजिडेंट इन सऊदी, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए आपके पास डिग्री ऑफ बैचलर की अगर आपने करना है मास्टर्स में अप्लाई, एमएससी में अप्लाई। अगर आपने करना है पीएचडी में अप्लाई तो आपके पास मास्टर्स की ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, ठीक है, या फिर डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका एक अच्छा सा बना हो, जिसमें आप बताओगे अपने कैरियर का फोकस, मैं फर्दर आगे क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे रिसर्च गोल्स क्या हैं, अगर मैं वहां पे आकर काम करता हूँ मैं क्या क्या काम करूंगा, किस चीज में मेरा इंटरेस्ट है, और मैं आपको यानी कि रिसर्च करके मैं अपना फ्यूचर संवार तो लूंगा लेकिन फर्दर आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैं वहां पे, ठीक है जी। एक अच्छा सा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए, और इसी तरह रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉनिकली लिए जाएंगे। रिकमेंडेशन लेटर ये होगा कि आपके जो आपको उस्ताजा पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने बैचलर्स में आपको पढ़ाया है, अगर एमएससी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जिन्होंने आपको बैचलर्स में पढ़ाया है उनको डायरेक्टली मेल जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो आगे से अप्रूव करेंगे टीचर्स, तो फिर ये होगा कि आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा। इसी तरह आप टीचर से डायरेक्टली एक पेज पे उनकी एप्लीकेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर बनवा सकते हैं उनसे, वो भी अपलोड किया जा सकता है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ जब उसको ऑनलाइन फिल करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अगर आपने एमबीए करना है तो जीमैट स्कोर आपके पास लाजमी होना चाहिए, और इसी तरह अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, आईएलटीएस, टोफल और जीआरई, ये फाइनल डिसीजन के लिए होगा, आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है जी। अगर आप ये नहीं भी देते आईएलटीएस, टोफल या जीआरई, आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन फिर आपको कहा जाएगा इतने टाइम के अंदर हमें इनके स्कोर्स चाहिए जी, अगर आप उसको उनको स्कोर्स देते हैं और उनकी एलिजिबिलिटी के मुताबिक होंगे तो आपको कंफर्म कर दी जाएगी स्कॉलरशिप, वरना नहीं। तो अब मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने पहले ये किया हुआ है आईएलटीएस, टोफल या जीआरई तो आप लाजमी तौर पर अप्लाई करें और इनको पहले ही प्रोवाइड करें ये चीजें प्रेफरेबली तौर पर। बेनिफिट्स क्या है जी इसके, किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल यूनिवर्सिटी जो है डीनशिप स्कॉलरशिप, फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे रही है सऊदी अरेबिया के अंदर, जिसके अंदर आपकी ट्यूशन फी, रजिस्ट्रेशन फी, अकोमोडेशन फी, मंथली स्टाइपेंड होगा, मेडिकल इंश्योरेंस भी दी जाएगी, एयर फेयर भी दिया जाएगा, ठीक है जी। रिसर्च एंड अदर कॉस्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द डीनशिप ऑफ
किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल, यानी कि तकरीबन हर तरह की आपको सहूलियात फराहम की जाएंगी। आप देखें जी, ट्यूशन आपकी फ्री कर दी गई वहाँ पे, रजिस्ट्रेशन फी खत्म कर दी गई, अकोमोडेशन रहने के लिए आपको जगह दे देंगे, मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस आपकी कर दी जाएगी, जाने आने का खर्चा दिया जाएगा, रिसर्च के लिए आपका जितना भी खर्चा आएगा वो डीनशिप उठाएगी। ठीक है, तो यानी कि इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। मैं आपको बार बार कहूंगा कि लाजमी तौर पर आप इसमें अप्लाई करें। वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, वेबसाइट मैं अपनी यूट्यूब के लिंक चैनल के लिंक में भी दे दूंगा, ठीक है, इस वीडियो के लिंक में भी दे दूंगा। आपने इस डायरेक्टली इस वेबसाइट पे अप्लाई करना है और किसी भी एजेंट या फिर किसी भी इधर उधर पैसे दे के करवाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। आपने खुद ऑनलाइन पोर्टल पे बैठ के अप्लाई करना है और किसी के पास भी नहीं जाना। जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे, इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे, मैं उनको इनकरेज करता हूँ कि अप्लाई करें किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉलरशिप के लिए, ऑनलाइन घर बैठ के अप्लाई करें। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले वो जो मैंने आपको बताई थी कि वो इस वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना है, मैंने उसको वेबसाइट को खोल लिया है। जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे आपके पास कुछ इस तरह का पर्सपेक्टिव आ जाएगा। इसमें आप देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे आके चेक योर ओपन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप जब उसको खोलेंगे, सबसे पहला स्टेप आएगा आपका चेक योर एलिजिबिलिटी। यहाँ पे आपने इसको ओपन अगर करते हैं तो यहाँ से जो जो चीजें मैंने आपको सारी पहले बता दी हैं अपनी वीडियो के अंदर, वो सारी की सारी चीजें इधर लिखी हुई है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। दोबारा से एक दफा देख लें, बेसिक है, बेसिक एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, अगर मास्टर्स में आपने अप्लाई करना है साइंस या इंजीनियरिंग में, आपके पास 4 ईयर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या साइंस के अंदर, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के जरिए, और आपकी जो CGPA होनी चाहिए वो मिनिमम 3 होनी चाहिए ऑन अ स्केल ऑफ 4, ठीक है जी। अगर आपकी 3 से कम है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, अगर 3 है या 3 से ज्यादा है तो लाजमी तौर पर आप अप्लाई कीजिए। इसी तरह अगर आपने PhD प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है तो आपके पास 4 ईयर BS डिग्री और MS की डिग्री की आपके पास होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है जी, और उसमें भी आपकी मिनिमम CGPA जो हो 3 ऑन अ स्केल ऑफ 4 हो, 3 out of 4 यानी कि, ठीक है जी, बोथ BS और MS, MS में भी और BS में भी। आप दोनों जब PhD के लिए आप अप्लाई करोगे तो आप दोनों ही प्रोवाइड करोगे, अगर दोनों में से किसी एक में भी 3 से कम है तो आपको नहीं वो यानी कि रखेंगे, ठीक है जी, आप एलिजिबल नहीं होंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट, अगर आपने MBA करना है, MBA करने के लिए क्या होगा, 4 ईयर बैचलर्स डिग्री चाहिए होगी, ग्रेड पॉइंट 3 चाहिए होगा, उसके लिए भी मिनिमम एटलीस्ट 1 कोर्स इन द कॉलेज लेवल कैलकुलस, और एक कोर्स में लाजमी तौर पर आपने कैलकुलस की हो जिसमें डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों चीजें आती हों, एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दिस रिक्वायरमेंट मे बी वेव्ड फॉर ग्रेजुएट असिस्टेंट्स, रिसर्च असिस्टेंट्स एंड एप्लीकेशन विद एक्सेप्शनल एकेडमिक रिकॉर्ड, लेकिन आप अप्लाई जरूर करें, ये नहीं कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई जरूर कीजिए। अगर आपके रिकॉर्ड्स एकेडमिक रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है जी, तो आपको लाजमी तौर पर बुला लिया जाएगा। नेक्स्ट है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि बी श्योर यू हैव स्कैन कॉपीज ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, आपके पास जितने भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आगे आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं, आपके पास PDF फॉर्म में अपने रखने हैं। हर डॉक्यूमेंट जो होगा शुड बी स्टोर्ड इन द करेक्ट फोल्डर, उसको आप अलहदा जो पोर्टल उन्होंने दिया होगा जहाँ पे आपने उसको अपलोड करना है उसी में अपलोड करें, ये नहीं कि आपको जहाँ पे उसने पासपोर्ट मांगा है आप वहाँ पे कोई और चीज अपलोड कर दें तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर देंगे, ठीक है जी, तो डिलीट कर दिया जाएगा या फिर आपकी एप्लीकेशन को इग्नोर कर दिया जाएगा। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ बी श्योर यू हैव द नेम ईमेल एड्रेसेस ऑफ 2 referees, आपके पास नेम और ईमेल एड्रेस होने चाहिए जो 2 teacher आपके, जो 2 उस्ताज़ा-ए-किराम आपको रेफर करेंगे, यानी कि जो रिकमेंडेशन लेटर देंगे उनके। इट विल बी आस्क ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोवाइड उनको कर देंगे ना तो आपको, मैंने आपको पहले जैसे पहले बताया कि यूनिवर्सिटी वहां से सऊदी अरेबिया से इनको इन दोनों उस्ताजा को मेल करेगी और इनसे पूछेगी क्या आप ये दोनों बच्चे आप सॉरी ये बच्चे एलिजिबल हैं भी कि नहीं है, आपने इनको पढ़ाया, आप इनके बारे में क्या कहते हैं, ठीक है जी। तो इफ़ यू डोंट हैव देम नाउ प्लीज प्रिपेयर एंड कम बैक लेटर, अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अभी नहीं हैं तो अभी इसको अप्लाई ना करें, ठीक है, पहले वो चीज़ें बनवा लें फिर उसको अप्लाई करने बैठें।
अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको मैंडेटरी जो हैं, जो लाजमी हैं, वो चाहिए कौन कौन से हैं। एक तो आपके पास कॉपी ऑफ आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि अगर आप पाकिस्तानी हैं आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, अगर आप सऊदी अरेबिया के हैं तो आपके पास नेशनल आईडी कार्ड होगा वहाँ पे, और इकामा वगैरह भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। कंप्लीट ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट अगर बात की जाए तो पीएचडी की चाहिए आपको, अगर आप यानी कि अगर पीएचडी एप्लीकेंट्स हैं आप तो एमएस या बीएस की, दोनों की आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी और यहाँ पे डिग्री चाहिए होगी, ठीक है जी। और अगर मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सिंपल बीएस की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। द ट्रांसक्रिप्ट शुड बी कंटेन नेम्स एंड ग्रेड्स ऑफ ऑल कोर्सेज टेकन एंड शुड बी एन ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, यानी कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए वो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए जो कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली है, जिसमें सारे के सारे कोर्सेज के बारे में बताया होगा कि आपने ये कोर्स पढ़ा है, उसमें आपके इतने इतने ग्रेड्स आए हैं, ठीक है। दो रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने बैचलर्स किया है, अगर आप एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपने जहाँ से बैचलर्स किया है वहाँ से दो टीचर्स थे अपने डिपार्टमेंट के, उनसे रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं आपने, और वो ऑनलाइन रिकमेंडेशन भी हो सकती है, उनसे आप खुद भी बनवा सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपके पास होना चाहिए तकरीबन एक पेज का, जिसपे आपका कैरियर फोकस किया गया हो या फिर रिसर्च गोल्स एट किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स, तो ये चीज आपको लाजमी है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोज विद वाइट बैकग्राउंड, आपके पास वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोज का, लेकिन ये ऑप्शनल है फीमेल्स के लिए। अगर आप कोई फीमेल हैं तो आप अप्लाई करने के लिए पिक्चर अगर ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, अगर आप मेल हैं तो आपको लाजमी लगानी पड़ेगी। सीवी और एक अच्छी बनी हुई सीवी जिसमें आपका ब्रीफली एजुकेशन को मेंशन किया गया हो और वर्क एक्सपीरियंस अच्छी तरह मेंशन किया गया हो, वो चाहिए होगा। और जीमैट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया एमबीए वाले स्टूडेंट्स के लिए है, अगर आपने एमबीए में अप्लाई करना है तो जीमैट का स्कोर होना चाहिए आपके पास लाजमी। एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस नहीं की जाएगी विदाउट अबव मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, अगर इनमें से कोई एक भी चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में से, तो आपको क्या कहता है कि अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल ही नहीं है, आपकी जो एप्लीकेशन है अगर आप अप्लाई कर भी देते हैं तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, देखा ही नहीं जाएगा। नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने पहले बताया कि टोफल होगा, ठीक है जी, जीआरई होगा, और या फिर डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह अगर आपको डिग्री मिली हुई है कोई, तो आइट्स भी मिनिमम 6.0 होंगे आइट्स के बैंड्स रिक्वायर्ड एमएस करने के लिए, और पीएचडी के लिए 6.5 रिक्वायर्ड होंगे आपको। तो डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंडेटरी नहीं है फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन डू नॉट इम्प्लाई दैट दे आर नॉट रिक्वायर्ड बिफोर एडमिशन, ये इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ये मैंडेटरी नहीं है तो इसको अप्लाई करने के लिए आप यूज ही ना करें, ठीक है, इनको खाली छोड़ दें, नहीं। अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, इसको अप्लाई करने में यूज करें, इनको फॉरन अपलोड कर दें, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको टाइम दिया जाएगा बाद में। द यूनिवर्सिटी कैन आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट्स एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, कभी भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि हाँ जी हमें अपने ये नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो आपने अप्लाई किए थे वो दे दें हमें, ठीक है। मेक श्योर करना है आपने कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे 22 सितंबर से पहले पहले आपने अपलोड कर देने, क्योंकि 22 सितंबर आखिरी तारीख है इसकी। और जो रिकमेंडेशन लेटर्स होंगे उसके लिए 29 सितंबर 2020 है, यानी कि जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करनी है तब आपके लिए ये है कि आपने अपलोड वो कर देने हैं, ठीक है जी, लेकिन उसमें जब आपके उस्ताजा को ईमेल जाएगी उसके लिए आखिरी डेट ये है कि 29 तारीख, 29 तारीख से पहले पहले सर रिकमेंड कर दें वहां से ईमेल के जरिए अपने घर में बैठे हैं जहां भी बैठे, लेकिन अगर वो नहीं करते तो आपकी स्कॉलरशिप रह जाएगी, ठीक है जी। जब आप ये चीजें सारी आपको पता चल गई हैं, अब हमने क्या कर लिया कि हर चीज के बारे में हमें समझ लग गई है, अब हम देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आई होल्ड दैट द मिनिमम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू प्रोसीड एंड विश टू प्रोसीड टू एलिजिबिलिटी चेक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आपके वो कहता है कि आप पहले हर चीज चेकलिस्ट कर लें कि आपके पास हर चीज मौजूद है, फिर आप इसको अप्लाई करने बैठें, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो टिक हो जाएगा, आपके पास ये ब्लैक हो गया, यानी कंटिन्यू टू ऑनलाइन एप्लीकेशन, अब आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो हम देखते हैं जरा इसको अप्लाई करने में क्या क्या यूज होगा। जैसे मैंने उसको अप्लाई किया, अब आपके पास एलिजिबिलिटी चेक आ गया, ठीक है जी। इसको ऊपर उसने गूगल ने कर दिया कि उसको ट्रांसलेशन, अगर थोड़ी बहुत उसमें अरेबिक यूज की गई है तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा वो खुद ही। तो
सबसे पहले बात करता है चूज अ वैल्यू फ्रॉम एवरी ड्रॉप डाउन लिस्ट टू चेक योर एलिजिबिलिटी। आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करो, हर चीज इसमें से देखो और रिक्वायर्ड फील्ड को कंप्लीट करो, फिर आपको बताएगा कि आप एलिजिबल हो भी या नहीं हो। जेंडर देखते हैं जी, जैसे कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मेल। नेशनैलिटी आपकी क्या है, जैसे मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ तो पाकिस्तान लिखूंगा, ठीक है जी। और उसके बाद लेवल ऑफ इंटरेस्ट आप बताएंगे कि आप मास्टर्स प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं या पीएचडी प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं। अगर मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है, एमएससी के लिए, तो मास्टर्स प्रोग्राम आ जाएगा। इंटेंडेड मोड ऑफ स्टडी, तो उसमें आ जाएगा कि आप जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप फुल टाइम यानी कि पढ़ना चाह रहे हैं कि पार्ट टाइम पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसमें फुल टाइम आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपने देखें इसको फिल किया, आपके पास ये चीज़ आ गई कि अगर आप सऊदी इकामा रखते हैं तो उसका दे दें, तो आपके पास नहीं है, ठीक है जी। अब जैसे आपने इसको नो किया क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, आपके लिए खुल गया एप्लीकेशन लिंक, खुल गए। अब ये सारी की सारी जितने भी हमने पहले डिस्क्रिप्शंस पढ़ी हैं, डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि जितने भी हमारे पास प्रोग्राम्स ये यूनिवर्सिटी दे रही है उसमें इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन लिंक दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अब जैसे कि देखें आप, मास्टर्स ऑफ साइंस इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दिया हुआ है, मास्टर ऑफ साइंस इन अप्लाइड साइंस अप्लाइड स्टैटिक्स, मास्टर ऑफ साइंस इन आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है, मास्टर ऑफ साइंस इन आर्किटेक्चर है, ठीक है जी। ये सारी की सारी फुल टाइम है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ साइंस इन केमिकल इंजीनियरिंग है, मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, अगर आप स्पेसिफिक एनालिटिकल केमिस्ट्री में जाना चाहते हैं तो ये इसमें अप्लाई करेंगे, अगर मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में करना चाहते हैं तो इसमें कर लेंगे आप, मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये उसके लिए स्पेसिफिक दी हुई है उन्होंने। इसी तरह मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिकल इन द केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये दी गई है, ठीक है जी। मास्टर ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, मास्टर ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग दिया गया है, मास्टर ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग दैट इज वाटर रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग दैट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। तो उसके अलावा उसने फर्दर डिटेल्स दी हैं कि मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी, अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो इसके सामने ये जो लिंक दिया गया है इसमें अप्लाई करेंगे आप, मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस में अगर आपने करना है तो यहाँ पे करेंगे। इस तरह मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर डिजिटल एंड सिस्टम डिजाइन एंड ऑटोमेशन में इसमें करेंगे, मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर नेटवर्क्स यहाँ करेंगे आप, ठीक है जी। इस तरह देखें आपके पास बहुत सारी वाइड वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स या प्रोग्राम्स उसने दिए हुए हैं जिसमें आप फुली फुल टाइम में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम आप बात करते हैं कि इसको फर्दर अप्लाई कैसे करना है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि अगर अब मैं अप्लाई करने लगा हूँ मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मैं इस लिंक को ओपन करूँगा, तो जब ओपन हो जाएगा, अगर तो आपने पहले इसमें यानी कि साइन इन किया हुआ है, साइन अप किया हुआ है, तो आप यहाँ पे यूजर नेम देंगे और पासवर्ड देंगे तो आपका ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप न्यू मेंबर हैं या न्यू अप्लाई करने वाले हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर नेम लिखेंगे। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, जैसे मेरा नाम अली हैदर है, तो आप यूजर नेम कोई भी रख सकते हैं, ठीक है जी, कोई भी हो सकता है, सिर्फ आपकी ईमेल नहीं होनी चाहिए, वो बाकी हर चीज हो सकती है। तो अब देखें जैसा कि फर्स्ट नेम एंटर करेंगे यहाँ पे और उसके बाद लास्ट नेम एंटर करेंगे, जैसे मेरा नाम अली हैदर है तो फर्स्ट नेम में अली आ गया और लास्ट नेम में हैदर आ गया। इसी तरह आप ईमेल देंगे उसको, ईमेल दे देते हैं जी, ठीक है जी। इसी तरह फिर अब आपने वो पासवर्ड रखना है कि जो कि आपके अकाउंट बनाने के बाद इस्तेमाल करेंगे, वो आपको याद रहना चाहिए, क्या हो सकता है, मिनिमम 6 करेक्टर लाजमी होने चाहिए, तो मैं वो कर लेता हूँ। ठीक है जी, जब आपने ये चीजें फिलअप कर ली तो आपने इसकी एक स्नैप ले लेनी है ताकि आपको यूजर नेम ना भूले। अगर आप यूजर नेम भूल जाते हैं तो आपको आपकी एप्लीकेशन सारी की सारी फ्लॉप हो जाएगी, इसके बगैर आपका अप्लाई नहीं हो सकेगा, ठीक है जी।
आपकी ईमेल एड्रेस सही होनी चाहिए, आपका यूजर नेम ठीक होना चाहिए, और कोई भी हो सकता है, बस ये ना हो कि आपकी ईमेल हो उसमें। यूजर नेम आपने खुद से चूज कर लेना क्या होगा आपके पास, और उसके बाद फिर आपने कर देना क्रिएट अकाउंट। अब जैसा कि एन अकाउंट विद, अब मेरा इस अकाउंट पे पहले बना हुआ था इसलिए उसने कह दिया कि अकाउंट विद दिस इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज साइन इन, यूज द फॉरगेट पासवर्ड। अब वो कहता है कि आपकी इस आईडी पे पहले कोई अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, इसलिए आप इस पे अप्लाई ना करें, आप सिर्फ साइन इन करें जाके। तो अब मैं साइन इन कर लेता हूँ। अब चले नया बना लेते हैं, बाकी सारी चीजें वही रख लेते हैं, ईमेल चेंज कर लेंगे। चलें देखते हैं जी अब क्या कहता है। देखें अब हमारे पास क्या हो गया है, हमने क्रिएट कर लिया अकाउंट। थैंक यू फॉर क्रिएटिंग एन अकाउंट, एन ईमेल हैज बीन सेंड टू द एड्रेस यू प्रोवाइडेड। अब हमने जो ईमेल दी थी उसने वहां पे हमें ईमेल भेज दी है, ताकि वहां हम क्या करेंगे, वहां जाके उसको ऑन करेंगे और वहां से हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम वेरीफाई करने के लिए देख लेते हैं ईमेल हमें आ गई कि नहीं। देखें जैसा कि मेरे पास ये एक ईमेल आई है, किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल यूनिवर्सिटी की तरफ से। देखें यहाँ पे वो कह रहा है क्लिक हेयर टू वेरीफाई, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। अभी आपके पास उसने क्या किया है, एक टैब खोल दी जिसमें आपका सारा कुछ वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या कहता है। अब यहाँ पे हम वेरीफाई हमारा हो गया, तो अब हम साइन इन कर सकते हैं इसको सिंपली। जब आप साइन इन कर जाएंगे तब आपके पास वो जो चीजें मांगेगा वो कहेगा कि आप देखें पहले इसको चेक कर लें, अगर आपने इस जो आप अप्लाई कर रहे हैं इसको सेव कोई थोड़ी सी चीजें आपने इसके अंदर फिलअप की और उसके बाद आपके पास कोई चीजें नहीं है, तो उसके बाद आप उसको सिंपल सेव करें और बंद कर दें, ठीक है, लॉग आउट कर लें, दोबारा से और साइन इन होकर अपनी चीजें प्रोवाइड कर दें। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप विड्रॉ कर जाएं एप्लीकेशन से, और यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं, और नेक्स्ट जाने के लिए ये वाला बटन यूज होगा। ठीक है जी, आप सबसे पहले वो बात करता है सेमेस्टर की, सेमेस्टर आप जिसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं सेमेस्टर कौन सा होगा, तो यहाँ देखते हैं कि सेमेस्टर आपके पास कौन सा होगा। सेकेंड सेमेस्टर इस टाइम आएगा, अगर आप इस टाइम अप्लाई करते हैं तो सेकेंड सेमेस्टर आएगा, क्योंकि वो अभी क्लासेस वहाँ पे स्टार्ट है। नेक्स्ट आ जाएगा जी, यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे, अब वो सेव हो रही है पिछली चीजें। अब देखें इसमें कि क्योंकि मैंने इसमें पहले अप्लाई किया हुआ था, इसमें सारी की सारी मेरी चीजें वही आ रही हैं। पहले मेरा नाम जैसे कि उसमें इसने शो किया हुआ है अली हैदर, मेल और बाकी सारी चीजें ये जो थी अप्लाई के लिए वो दी हुई है इसने मेरी, ये सारी की सारी। यहाँ पे फर्स्ट नेम आप देंगे, यहाँ पे लास्ट नेम देंगे, यहाँ पे जेंडर देंगे, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप की डेट ऑफ बर्थ क्या है, कंट्री ऑफ बर्थ आप इसमें प्रोवाइड करेंगे, अपनी नेशनैलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, पाकिस्तान से होंगे तो पाकिस्तानी करेंगे, नेटिव लैंग्वेज आपकी कौन सी है, नेटिव लैंग्वेज यहाँ से देख लेंगे अरबी है, इंग्लिश है या अदर है। जैसा कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आपकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, तो इसलिए आप अदर कर देंगे। आपके पास यहाँ पे अगर पासपोर्ट अवेलेबल है तो पासपोर्ट आ जाएगा, आईडी टाइप, अगर आपके पास सऊदी नेशनल आईडी है तो सऊदी नेशनल आईडी देंगे, या फिर इकामा है तो इकामा देंगे। तो पासपोर्ट यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पासपोर्ट देंगे, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद आपका ब्लड टाइप उसने पूछना है, ब्लड टाइप कौन सा हो सकता है, जो भी आप यहाँ पे दे दें अपना। अगर आप पहले से वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं या स्टूडेंट आईडी आपके पास मौजूद है, आपने पहले कहीं कोई अनफिनिश डिग्री वहाँ पे की हुई है, तो उसका वो स्टूडेंट आईडी नंबर मांग रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको खाली छोड़ दें। जितने भी हमारे पास ये साथ में स्टार बने हुए हैं ये मैंडेटरी हैं, इसको लाजमी फिल करना है, इनके अलावा जितने भी हैं वो उनकी कोई बात नहीं। और जिसका हमारे पास ये है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में हमसे वो ईमेल मांग रहा है, ठीक है, तो ईमेल मांग रहा है, मोबाइल नंबर मांग रहा है, मोबाइल नंबर देंगे आप इसको, अपना एड्रेस देंगे, यहाँ स्ट्रीट नंबर देंगे, सिटी देंगे, ठीक है, पोस्टल कोड देंगे जो भी है, उसके बाद कंट्री पाकिस्तान है, तो उसके बाद ये सारी चीजें फिल करने के बाद आप नेक्स्ट चले जाएंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी
एजुकेशनल हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, ठीक है जी। एजुकेशन हिस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास, जैसे कि अगर आप मैं अपनी बात करूँ तो प्रीवियस इंस्टीट्यूशन, अगर मैंने एमएस में अप्लाई करना है तो मेरा प्रीवियस जो मैं यहाँ पे डाटा दूंगा वो अपने बैचलर्स का दूंगा। तो बैचलर्स मेरा प्रीवियस इंस्टीट्यूशन था गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, जो जिसे जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा और यहाँ पे सिटी फैसलाबाद आ जाएगी, कंट्री हमारा पाकिस्तान है जी। इसमें से अगर ये चीजें सारी की सारी रिमूव कर दी जाए ना, तो इसको अगर छोड़ा जाए तो इसमें अगर कुछ भी आप सर्च करेंगे ना, जैसे गवर्नमेंट, अगर तो आपका जैसे यूनिवर्सिटी है हमारे पास, तो जैसे यूनिवर्सिटी का नाम हम मैंने अभी अप्लाई ऑन किया है, ठीक है, तो इसमें यूनिवर्सिटी का नाम आ गया। अगर यूनिवर्सिटी का नाम इधर ना आता तो हम यहाँ पे लिख देते, ठीक है, वहां पे उसको अदर्स लिख के और यहाँ पे हम नाम लिख देते अगर उसमें इंस्टीट्यूशन नेम ना आ रहा हो, यानी ये जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इफ इंस्टीट्यूशन नेम नॉट फाउंड अबव एंटर हेयर, अगर वहां पे आपको नहीं मिला तो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है उसका नाम। यहाँ पे ऑब्टेंड जीपीए आएगा कि आपका जीपीए कितना है, ठीक है। तो उसके अलावा स्केल आपका कौन सा होना चाहिए, 4 4 भी हो सकता है, वो जो भी है, लेकिन इन डिग्रीज के लिए आपके पास जैसा कि मैंने रिक्वायरमेंट्स में बताया 4 था, तो आपका 4 ही आएगा इधर। प्रीवियस मेजर यहाँ पे आप बताएंगे कि आपका कौन सा है, जैसा मेरा केमिस्ट्री है तो मैं केमिस्ट्री दिया हुआ है इसको। तो अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा आपके पास प्रीवियस मेजर इनमें इन सब में से, तो आप यहाँ पे खुद से लिख देंगे, यहाँ पे अदर करके और यहाँ पे लिख देंगे खुद से, ठीक है जी। और डिग्री की टाइप आपकी कौन सी थी, वो बैचलर्स थी, वो कौन सी मास्टर्स थी या जो भी थी, उसमें आप बता देंगे। जैसे मेरा बैचलर्स था रेगुलर टाइम में, तो वो चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। डिग्री की ड्यूरेशन पूछ रहा है कि डिग्री की ड्यूरेशन कितनी थी, डिग्री की जैसे मेरी ड्यूरेशन 4 ईयर्स थी और कंप्लीशन डिग्री मेरी 2019 में हुई थी, ठीक है जी। तो यहाँ पे वो चीज़ें आ जाएंगी। अगर इनके अलावा आपने, अगर तो आप करना चाह रहे हैं एमएस के लिए अप्लाई, ठीक है, मास्टर्स के लिए, एमएससी के लिए, तो सिंपल आप यहाँ पे बीएस का डाटा दे देंगे तो हो जाएगा। अगर आप क्या करना चाह रहे हैं कि इसके अलावा आप एफएससी का भी डाटा यहाँ पे फ्राम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप बैचलर्स का ही देंगे अगर आप एमएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है, और बाकियों की इतनी जरूरत नहीं है। अगर दे भी दें तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने ऐड करना ही है तो यहाँ पे ऐड अनदर रिस्पॉन्स करेंगे, ये चीजें पहले वाली सेव हो जाएंगी सारी और नया एक सेम इसी तरह का ब्लॉक्स खुल जाएंगे, वहां पे आप अपना डाटा एफएससी मैट्रिक सारा दे सकते हैं इनको। लेकिन अगर आपने एमफिल के लिए, सॉरी पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, पीएचडी के लिए क्या होगा कि यहाँ पे आप पहले अपना एमएससी का रिजल्ट, एमएस का रिजल्ट लगाएंगे, ठीक है, एमएससी का, फिर उसके बाद बीएससी का लगाएंगे और इस तरह एड एंड अदर रिस्पॉन्स वगैरह कर करके इस तरह उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे टेस्ट स्कोर्स, अगर आपने कोई टेस्ट दिया है, जैसा कि टेस्ट आपका जीआरई, जनरल, जीमैट, टोफल, टोफल आईबीटी, इट्स एकेडमिक, अगर इनमें से दिया है तो टेस्ट टाइप और टेस्ट डेट यहाँ पे दें और उसका यहाँ पे क्या कर दें, उसको बता दें कि हाँ जी मेरे इतने स्कोर्स हैं। लेकिन ये इतना मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी मैं बार बार बता रहा हूँ, आप अप्लाई सिंपली वैसे भी कर सकते हैं अगर आपके पास आइट्स वगैरह ना हो तो, आप बाद में उनको टाइम दिया जाता है आपको कि आप अप्लाई करने के लिए दे दो उनको। ये सारी चीज़ें आप फिलअप करके आप नेक्स्ट पे चले जाओगे और तो नेक्स्ट हमारे पास रिकमेंडेशंस आ जाएगी, ठीक है, रिकमेंडेशन एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एक्सपीरियंस में अगर आपने कहीं पे पहले काम किया है तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाएगा, यहाँ पे सिटी आ जाएगी, यहाँ पे कंट्री का नेम आ जाएगा। अगर एम्प्लॉयर का नेम वहाँ पे नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपकी जॉब की टाइप क्या थी, आप वहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे, आप इंटर्नशिप कर रहे थे, आप पार्ट टाइम वर्क कर रहे थे, जो भी है वो यहाँ पे आप दे देंगे उनको। आपकी जॉब का टाइटल क्या था, आपने स्टार्ट कब की और एंड डेट क्या थी, ठीक है जी। विल द स्पॉन्सर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर योर एजुकेशनल एक्सपेंसिस, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अगर आपका हो जाता है यहाँ पे एडमिशन, आपका स्कॉलरशिप नहीं भी मिलता, तो क्या आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर देगा आपको, तो यहाँ पे येस और नो में आप जवाब दे सकते हैं उनको। इसी तरह फिर क्या होगा कि आपके पास रिकमेंडेशन लेटर मांगेगा, रिकमेंडेशन लेटर, 2 रिकमेंडेशंस आर रिक्वायर्ड, 2 रिकमेंडेशंस चाहिए आपको। आपने क्या करना है, एंटर करना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और ईमेल सिर्फ, ठीक है जी। आफ्टर एंटरिंग द ईच रिकमेंडेशन इंफॉर्मेशन क्लिक सेंड ऑन सेंड ऑन इन्विटेशन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये देखिए जैसा कि यहाँ पे है रिकमेंडेशंस इंफॉर्मेशन जनरल,
यहाँ पे आप फर्स्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पे सेकंड नेम लिखेंगे उसका, और यहाँ पे सॉरी लास्ट नेम, और उसके बाद उनकी ईमेल देंगे, और यहाँ पे आप सेंड इनविटेशन कर देंगे। तो उनको एक, आपके टीचर्स को एक इनविटेशन चला जाएगा जहाँ से वो उनको ईमेल चली जाएगी, ठीक है जी, आपकी ईमेल पे। तो वो उसको कंप्लीट कर देंगे, फिलअप कर देंगे, तो आपकी ये रिकमेंडेशन हो जाएगी। अगर उन्होंने आपको वैसे ही दिया हुआ है, एक प्रिंटेड फॉर्म में बना के दिया हुआ है रिकमेंडेशन लेटर, तो यहाँ पे आप सिंपली अपलोड माई रिकमेंडेशन में जाके यहाँ पे अप्लाई अपलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। रिकमेंडेशन दो बंदे चाहिए आपको, इसलिए यहाँ पे पहला वाला आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा वाला, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसी तरह वो कहता है कि यू मे रिमाइंड अ रेफरी, आप अपने टीचर को रिमाइंड भी करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास नंबर वगैरह नहीं है, उनकी सिर्फ ईमेल ही है, तो आप बार बार उनको ईमेल सेंड किए जा सकते हैं यहाँ से। जब आपने सेंड इनविटेशन कर देना है ना, तो उसके बाद आ जाएगा रीसेंड इनविटेशन, तो बार बार उनको सेंड होती जाएगी वो, यानी कि वो कर देंगे फिर आप, ठीक है जी। लेकिन आप ज्यादा बेहतर ये है कि आपके पास उनका नंबर होना चाहिए, जब आप इधर से सेंड इनविटेशन कर दें, तो उसके तकरीबन 3 घंटे बाद आप उनके वो कहें कि आपको ईमेल आई है सर, मेरा जरा काइंडली कर दें, रिकमेंड कर दें मुझे। तो इसी तरह वो कहता है कि इफ यू हैव ऑलरेडी हैव अ रिकमेंडेशन, अगर आपके पास, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, रिकमेंडेशन पहले से मौजूद है, तो आप उसको अपलोड माई रिकमेंडेशन करके अपलोड कर सकते हैं। लेकिन वो ये यूनिवर्सिटी कहती है कि आप अपलोड करने की बजाय ज्यादा से ज्यादा अच्छा ये है कि ऑनलाइन रिकमेंडेशन सिस्टम को प्रेफर करो, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल भी है और डायरेक्टली फ्रॉम रेफरी होता है, इसलिए वो ज्यादा बेटर इस्तेमाल किया जा सकता है। आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, रिमाइंड करवा सकते हैं अपने रिमाइंडर्स रिकमेंडर्स को, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपकी सबमिट हो जानी चाहिए ये रिकमेंडेशन वाली 29 सितंबर से पहले पहले, उसके बाद आपकी रिकमेंडेशन किसी काम की नहीं होगी, ठीक है। जब ये आप चीजें कर लेंगे तो नेक्स्ट में चले जाएंगे आप। अब यहाँ पे वो देखें दे रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। योर फॉर्म वाज सक्सेसफुली सेव्ड, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है, सी बिलो फॉर द लिस्ट। अब नीचे आप लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज आपको चाहिए थी। प्लीज नोट दैट इन ऑर्डर फ्रॉम द सेक्शन टू बी सेव्ड, आपके फर्स्ट सेक्शन से लेके एंड तक ये सारी की सारी चीजें आपको चाहिए, ठीक है। सबसे पहले है पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल डिटेल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो थोड़ी सी जो चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, इसी वजह से वो ये साइन बना रहा है कि ये चीज़ें चाहिए। रिकमेंडेशंस अभी मैंने नहीं अपलोड किए, तो रिकमेंडेशंस के लिए साइन शो कर रहा है कि रिकमेंडेशन चाहिए आपकी, ठीक है। एक में रिकमेंडेशन चाहिए, दूसरी भी रिकमेंडेशन चाहिए। इसी तरह रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो कि मैंने अपलोड करने हैं, बैचलर्स वगैरह के, अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, आइडेंटिफिकेशन, CV, जो अपलोड चीज़ें करनी है वो चीज चाहिए। बाकी जैसे मैंने सेमेस्टर सेलेक्ट कर लिया हुआ है, पर्सनल डिटेल्स मैंने सारी अपलोड की हुई है, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन हिस्ट्री, ये सारी की सारी मैंने चीज़ें अपलोड की हुई है, इसलिए यहाँ पर टिक कर रहा है। तो जैसे जैसे आप प्रोसीड करते जाएंगे, यहाँ पे ये ग्रीन होता जाएगा, कंटिन्यू कर देना है आपने यहाँ से। तो यहाँ पे देखें कि जो जो चीज़ मैंडेटरी है वो आपने लाजमी अप्लाई करनी, इसके अंदर अपलोड करनी है, जो चीज़ नहीं रिक्वायर्ड वो लाजमी नहीं है कि आप अप्लाई करो, ठीक है। जैसे कि बैचलर ट्रांसक्रिप्ट आपकी अगर MS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लाजमी है, इसलिए साथ में ये स्टार बना हुआ है, ये मैंडेटरी है। इसी तरह आइडेंटिफिकेशन में आप अपना पासपोर्ट इसमें अपलोड कर देंगे, इसी तरह आपके CV में CV अपलोड होगी, इसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपलोड होगी, और ये पहली चार चीज़ें जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लाजमी है। कलर फोटो जो कि लड़कों के लिए अच्छा है कि अपलोड कर दें, और लड़कियां बेशक ना करें तो वो मैंडेटरी भी नहीं है। बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट, अगर आपको डिग्री मिल चुकी हुई है तो डिग्री इसमें अपलोड कर दें। मास्टर ट्रांसक्रिप्ट अगर आपके पास मौजूद है, अगर आप PhD में जा रहे हैं तो वो इसमें अपलोड होगी, ठीक है। और इसी तरह डिग्री सर्टिफिकेट इसमें अपलोड हो सकता है। नेक्स्ट, आपके पास टोफल या IELTS अगर आपके पास रिजल्ट मौजूद है, आप यहाँ अपलोड कर दें। GMAT, GRE, मिसलेनियस और एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अगर आपके पास मौजूद होगा, तो जो भी आपके पास चीज़ें हैं यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। तो ये पेज आपके पास, दिस पेज विल डिस्प्ले एनी रिक्वायरमेंट, ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आपको बता रहा है कि ये चीज़ें इसमें चाहिए। जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास ये चला जाएगा कि यहाँ पे आ रहा होगा कि यहाँ तो सेव कर लें उसको, ठीक है, या फिर सबमिट करें, या फिर विदड्रॉ कर दें एप्लीकेशन। अगर आपने कोई किसी मसले से की वजह से आप ना नहीं अप्लाई करना चाह रहे, तो यहाँ पे आप अपनी विदड्रॉ कर दें एप्लीकेशन। अगर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पे सबमिट कर दें, तो आपके पास एट फाइनल सबमिट हो जाएगी, और आपको एप्लीकेशन नंबर एक मिल जाएगा कि आपका ये एप्लीकेशन नंबर है। तो दैट इज ऑल अबाउट किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल यूनिवर्सिटी। इसमें आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, हायर रैंक्स में है, ये सऊदी अरेबिया की मानी जानी यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसमें लाजमी अप्लाई करें।
इसमें डिग्री के लिए आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें और काफ़ी सहूलियात भी दी जाएंगी। ठीक है, एक तो इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, इसलिए आप लाजमी तौर पर इसमें अप्लाई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। मजीद इसमें इसके बारे में कोई आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप मुझसे डायरेक्टली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। In the name of Allah, the beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. मेरा नाम, जैसा आप सबको पता है, अली हैदर है, और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा केमिस्ट्री के कुछ करिश्मात के बारे में। In this video, you can see the wonders of chemistry and learn how you can use it to make people believe that you have a grip on the magic. यानी कि आप कैसे लोगों को अपने ऊपर ये सोचने में माइल कर सकते हैं कि हाँ यार, आपको जादू आता है। ठीक है, इस वीडियो में हम आज जो देखेंगे उसका थोड़ा सा ट्यूटोरियल मैं पहले आपको बता दूँ। सबसे पहले हम देखेंगे टू ट्रैप अ घोस्ट इन द बॉटल, क्या आप एक बोतल के अंदर जिन को कैसे बंद कर सकते हैं। ठीक है जी, और नेक्स्ट उसके बाद आएगा टू सेट आउट फायर बाय अ ब्लो, यानी कि आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ना माचिस ना कुछ, सिर्फ आप सिंपली हवा मुंह से फूंकोगे और क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी अब। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्लोथ्स गेटिंग फायर बाय इटसेल्फ। इसी तरह थर्ड वन जो है कि वो आपके कपड़ों को खुद ब खुद आग लग जाए बगैर किसी जलाने वाली चीज के। इसी तरह टू एंटर नीडल्स डिफरेंट कलर्स और हेयर्स इनटू द एयर। ठीक है, यानी कि आप कैसे किसी भी अंडे के अंदर सुइयां, उसके अलावा मुख्तलिफ तरह के रंग और बाल कैसे अंडे के अंदर डाल सकते हैं। और लास्ट वन जो होगा हमारा कि एक आम सी चीज है कि टू क्योर इचिंग बाय टेकिंग बाथ इन अ मिरेकुलस पूल। आप ऐसा क्या काम करें कि आप एक पूल बनाएं, उसको मिरेकुलस पूल बनाने के लिए आप उसमें ऐसा क्या करें कि लोग उसमें आगे नहाएं और चमत्कार हो जाए कि लोग उसमें नहाने से उनको खारिश वगैरह खत्म हो जाए, तो उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहला है टू ट्रैप अ घोस्ट इन अ बॉटल, यानी कि किसी भी बोतल के अंदर आप जिन को कैसे कैद करोगे। आप लोगों को ये कैसे दिखा सकते हो कि आपके पास एक बोतल है जी, आपने उसमें जिन कैद कर दिया, एक धुआं धुआं सा कैद कर दिया आपने। सिंपल सा इसमें एक्सपेरिमेंट है, इसमें ऐसी कोई भी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा FSC पार्ट वन का रिएक्शन है। इसमें आप देखोगे आपको क्या चाहिए, थिंग्स यू नीड। सबसे पहले आप देखोगे क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। आपको चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा अमोनिया चाहिए, लिक्विड अमोनिया, और एक आपको बोतल दरकार होगी। सिंपल आप क्या करोगे, प्रोसीजर इसका देख लेते हैं। टेक अ बॉटल, एक बोतल ले लें, पोर सम लिक्विड अमोनिया ड्रॉप्स इन बोतल एज इट वेट्स द बोतल फ्रॉम इनसाइड। आपने लिक्विड अमोनिया उसके अंदर बोतल के अंदर ऐसे डालना है कि अंदर से वो बिल्कुल गीली हो जाए, और जो एक्स्ट्रा अमोनिया होगा आपने बाहर निकाल देना है। ठीक है, देन गेट द एक्स्ट्रा लिक्विड अमोनिया आउट फ्रॉम बोतल। उसके बाद आप क्या करोगे, नाउ पोर सम ड्रॉप्स ऑफ HCl इन द कैप ऑफ दैट बोतल। अब आपने HCl के थोड़े से कतरे लेने हैं और उसको किसमें डाल देना है, बोतल के ढक्कन में। लेकिन आपने ऐसे उसको रखना है कि उसके जो कतरे हैं ना, उसके बोतल के अंदर ना गिरे। नाउ मूविंग ऑन, अब ऐसा ऐसा आगे चलते हुए, व्हेन यू क्लोज द बोतल, अब आपने जैसे ही उस बोतल को क्लोज करना है ना, बंद करना है उस ढक्कन के जरिए, तो आपकी बोतल के अंदर एक धुआं धुआं सा बन जाएगा, जिसे आप कहेंगे हाँ जी मैंने जिनको बोतल में कैद कर लिया। आप क्या करोगे, एक अपने दोस्त को अपने पास बुलाओगे, उसे कहोगे आओ मैं तुम्हें जिन कैद करके दिखाता हूँ। ये सारा काम आपने पहले किया होगा, जैसे ही ढक्कन को आप बंद करोगे बोतल उसके सामने अपना मंत्र वगैरह पढ़ के, तो उसके अंदर वो जो धुआं आ जाएगा, लोग समझेंगे आपने क्या कर दिया, जिनको कैद कर दिया बोतल के अंदर। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसका केमिस्ट्री बिहाइंड इट, इसके पीछे केमिस्ट्री क्या थी। केमिस्ट्री इसकी सिंपल सा रिएक्शन है जी, जब अमोनिया HCl के साथ रिएक्शन करता है अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है जी, अमोनियम क्लोराइड होता है डेंस वाइट फ्यूम्स में, उसके बहुत वाजे तौर पर बादल से बन रहे होते हैं, इतने डेंस गाढ़े फ्यूम्स होते हैं उसके स्प्रे कलर के, जिसे हम आप घोस्ट कह सकते हैं, जिसे आप कहेंगे कि हम मैंने जिन को कैद कर लिया। ठीक है जी, फर्दर आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ, टू सेट आउट फायर बाय ब्लो, यानी जब भी आप फूंक मारो और क्या हो जाए, आग लग जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं थिंग्स यू नीड, आपको क्या क्या चाहिए होगा। सिंपल सी आपको दो चीजें दरकार हैं, वाइट फॉस्फोरस
कार्बन डाइसल्फाइड, यानी कि वाई फॉस्फोरस चाहिए आपको और सिंपली कार्बन डाइसल्फाइड चाहिए। प्रोसीजर इसका क्या है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो कि मैंने नोट नीचे लिखा हुआ है, डोंट ट्राई दिस एट होम, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, कभी भी आपने खुद नहीं करना। अगर करना भी है, बहुत दिल कर रहा है, तो आपने इस सूरत हाल में करना कि आपके पास कोई ना कोई गाइडेंस के लिए केमिस्ट मौजूद हो, वरना खुद आप घर पे कभी भी ट्राई मत कीजिए, इट्स क्वाइट डेंजरस। अच्छा जी, अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। डिसॉल्व वाइट फॉस्फोरस इन द कार्बन डाइसल्फाइड। सिंपल आपने क्या करना है, वाइट फॉस्फोरस लेनी है, उसको कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डिप कर लेना है या उसको डिसॉल्व उसके अंदर करवा देना है। उसके इर्द गिर्द उसकी कार्बन डाइसल्फाइड की फॉस्फोरस की लेयर सी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में वो जो आपने बना लिया है एक मिक्सचर सा, उसको लेके अपने मुंह में रख लेना, ठीक है। अचानक से जब ऐसे ही आप थ्रो करोगे बाहर को, क्योंकि आपको जैसे ही आप बाहर को थ्रो करोगे तो आपके सामने ही आप देखोगे उसको आग लग जाएगी। अब इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि लोगों को आप कैसे ट्रिक आउट कर सकते हो। आप सिंपली लोगों को कहोगे इधर आओ, मैं आपको जिन को फूंक मार के जला के दिखाता हूँ, वो आपकी तरह माइल हो जाएंगे। आपने क्या किया होगा, पहले से ही कार्बन डाइसल्फाइड को अपने मुंह में रखा होगा, यानी कि इस मिक्सचर को फॉस्फोरस और कार्बन डाइसल्फाइड के, जैसे ही आप तेजी से ब्लो आउट करोगे बाहर की तरफ फेंकोगे उसको, लोगों को नहीं पता कि आपके मुंह में क्या था क्या नहीं था, उनको लगेगा सिर्फ हवा फेंकी है आपने बाहर को, और जैसे वो बाहर गिरेगा तो आपके सामने आग लग जाएगी, तो लोग समझेंगे जादू हो गया। अब इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, जैसा कि आप सबको पता है कि फॉस्फोरस जो होता है वो बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, और जैसे ही हवा के साथ इन कॉन्टैक्ट में आता है वो उसको आग लग जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बचाने के लिए क्या करते होते हैं, इसको यूजली स्टोर इन वाटर, इसको पानी के अंदर स्टोर किया जाता है ताकि इसको आग ना लगे। तो जैसे ही आपने इसको डिप किया कैल्शियम डाइसल्फाइड के अंदर, उसकी लेयर एक इसके इर्द गिर्द बन गई, जिसने उसको उस वक्त जलने से बचा लिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने उसको मुंह से बाहर फेंका तो क्या हुआ, उस वक्त ये हो गया कि जो लेयर थी, जैसे ही आपने उसको बाहर फेंका कार्बन डाइसल्फाइड की लेयर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुई, और आपके देखते ही देखते फॉस्फोरस जैसे ही एयर के साथ इन कॉन्टैक्ट हुआ उसको आग लग गई, और लोग समझे कि आपने पता नहीं कौन सा कारनामा कर दिया, आपने कौन सा जिन को जला दिया सिर्फ फूंक मार, ठीक हो गया। फर्दर चलते हैं नेक्स्ट, क्लोथ गेटिंग फायर बाय इटसेल्फ, यानी कि आपके जो कपड़े होंगे, आप कोई भी कपड़ा आपके अपने सामने रख लो कि उसको खुद ब खुद आग लग जाए, आपने तो कुछ किया भी नहीं उसको खुद ब खुद आग लग गई, ये कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सिंपल, जैसे हम आपको मैंने पहले बताया, वाइट फॉस्फोरस चाहिए होगा, कार्बन डाइसल्फाइड चाहिए होगी, और क्लॉथ चाहिए होगा। प्रोसीजर्स का सिंपल से क्या है, फॉस्फोरस को आपने लेना है कार्बन डाइसल्फाइड में, उसको डिप कर लेना है, उसका मिक्सचर सा बन जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड की उसके एरिया लेयर आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको थोड़ा सा अपनी मुट्ठी में पकड़ लेना है, ठीक है। और जैसे ही आप लोगों को करके दिखाना चाहोगे कि हाँ मैं आपको जादू करके दिखाने लगा हूँ कि मैं कपड़े की तरफ इशारा ही करूँगा और उसको आग लग जाएगी, तो क्या करना है, आपने सिर्फ कपड़े की तरफ वो आपने फेंकना उसको, जैसे ही वो कपड़े के ऊपर गिरेगा कपड़े को आग लग जाएगी। दोबारा बता दूँ, डोंट ट्राई दिस एट होम, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस को बहुत जल्दी आग लग जाती है, इसलिए कभी भी इसको घर पर ट्राई मत कीजिएगा। केमिस्ट्री इसके पीछे भी वही थी जी, सिंपल के आपने जब फॉस्फोरस लिया उसके इर्द गिर्द उसकी लेयर जो कर दी कैल्शियम डाइसल्फाइड की, उसने उसको कवर किए रखा कि उसको आग ना लगे, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस जल्दी से आग पकड़ लेता है जैसे ही वो इन कॉन्टैक्ट होता है एयर के साथ। तो जैसे आपने उसको फेंका, कार्बन डाइसल्फाइड की जो लेयर थी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुई और उसको फॉस्फोरस को आग लग गई, और लोग समझे कि आपने अपने इशारे के साथ ही कपड़ा जला दिया। नेक्स्ट है जी, टू एंटर द नीडल्स डिफरेंट कलर और हेयर्स इनटू द एग। अंडे के अंदर बड़े लोगों ने सुना होगा जी, अंडे के अंदर से सुइयां निकल आती हैं, अंडे को हमने यानी कि खोला है तो उसके अंदर से मुख्तलिफ किस्म के रंग निकले हैं, उसके अंदर से बाल निकले हैं, ये कैसे कर सकते हैं आप। थिंग्स यू नीड, सबसे पहली बात है कि आपको क्या क्या चीज चाहिए होगी। सिंपल सा विनीगर, जिसे सिरका कहते हैं, एसिटिक एसिड अगर आपने लेना तो डिल्यूट ले लेना, ठीक है।
एक अंडा चाहिए होगा, डिफरेंट नीडल्स चाहिए होंगी, पिन से पिन्स ले सकते हैं आप, डिफरेंट कलर्स इन सिरिंजों के, आपके पास छोटी सी सिरिंज मौजूद हो उसके अंदर आपने डिफरेंट कलर्स ले लेने हैं, और कुछ बॉल्स चाहिए होंगे आपको। क्या करेंगे आप, 3 अंडे ले लें डिफरेंट, ठीक है, और उनको तकरीबन 3 से 4 दिन के लिए आपने क्या करना है, सिरके के सोल्यूशन के अंदर रख दें। क्या होगा, वो बहुत नरम से बन जाएंगे, ठीक है, तो अब आप आसानी से उसके अंदर नीडल्स को या पिंस को धकेल सकते हो, उसके अंदर चले जाएंगी, ठीक है। इसी तरह आप 1 अंडे के अंदर बाल अंदर को धकेल सकते हो, और इसी तरह सिरिंज के जरिए आप डिफरेंट लिक्विड कलर्स उसके अंदर डाल सकते हो अंडे के अंदर। अब आपने डालने के बाद क्या करना है, उसको तकरीबन 6 दिन के लिए रहने देना है, और जैसे ही आप 6 दिन के बाद आपने उसको दोबारा बाहर ले आना है, तो आपको क्या होगा कि आप दोस्तों के सामने लेके जाओगे उन अंडों को, और उनको कहोगे मैंने इसको जादू करके मैं इसके अंदर से चीजें निकालता हूँ, इसको तोड़ोगे तो उसके एक के अंदर से नीडल्स निकलेंगी, एक के अंदर से बाल निकलेंगे, एक के अंदर से डिफरेंट कलर्स निकलेंगे, और लोग समझेंगे मैजिक है। अब इसके पीछे केमिस्ट्री क्या थी, केमिस्ट्री को थोड़ा सा देख लेते हैं जी। एक्सेल्स वाज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जैसा कि हर बंदे को पता है जिसने भी थोड़ा बहुत साइंस पढ़ी है, उसको पता है कि अंडे का जो शेल होता है वो किसी से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, ठीक है। विनीगर और एसिटिक एसिड आर एसिड बाय नेचर, और आपको ये भी पता है कि सिरका या एसिटिक एसिड क्या होते हैं, ये एसिड होते हैं, एसिड डिसॉल्व द कैल्शियम कार्बोनेट, एसिड के साथ जब भी उसका रिएक्शन होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, तो वो क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और अंडा जो होगा आपका बहुत नरम सा बन जाएगा। जब जाहिर बात है उसका बाहर का शेल ही आपने डिसॉल्व करवा दिया, तो अंदर से वो जो सॉफ्टनेस है उसकी वही रह जाएगी। अब जैसे आपने उसको आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द एसिड, आप एसिड से निकाल लिया, ठीक है, तो उसके अंदर आपने चीजें वगैरह डाल ली, और उसके बाद आपने उसको 5 से 7 दिन के लिए नॉर्मल कंडीशन में रख दिया, यानी कि उसको सिरके या किसी और चीज में नहीं डाला, तो उसका जो एग शेल था कैल्शियम कार्बोनेट का, वो खुद ब खुद रिस्टोर हो जाएगा और दोबारा से हार्ड बन जाएगा। तो इस तरह आपका अंडा नॉर्मल कंडीशंस में आ जाएगा, और जैसे अब आप उसको तोड़ेंगे उसके अंदर से मुख्तलिफ चीजें निकल जाएंगी जो कि आपने उसके अंदर पहले एंटर करवाई। नेक्स्ट मूव ऑन, के आपने बड़ी दफा सुना होगा बहुत सारे बाबे हैं आमिल हैं जिनके पास आप जाते हो, तो उन्होंने कई पूल से बनाए होते हैं, उनके अंदर से वो कहते हैं जी इसके अंदर से नहा लो आपको सारा साल खारिश वगैरह नहीं होगी आपको, यानी कि फोड़े भिंसियाँ वगैरह नहीं निकलेंगे, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, उसके पीछे क्या मैजिक है, उसके पीछे क्या केमिस्ट्री है, उसके बारे में देख लेते हैं जी। सिंपल आपने क्या करना है, दो चीजें चाहिए आपको, सल्फर, ठीक है, जिसे आप गंधक भी कहते हैं, आम उर्दू में आप गंधक कहते हैं, ठीक है, और बहुत सस्ती होती है, किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाती है। नेक्स्ट वाटर पूल, आप करोगे क्या, आपने सल्फर जिसे आप गंधक कहते हो पानी के अंदर डिजोल्व करवा लेनी है, लोगों को कहना है कि आए जी इसके अंदर आप नहाए और चले जाएं, आपको कभी भी यानी कि खारिश वगैरह नहीं होगी, तो बात ये सही है कि उनको कभी भी ऐसा खारिश वगैरह नहीं होगी, और उनके फोड़ी फिंसे वगैरह जो हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। इसके पीछे मैजिक क्या है जी, इसके पीछे लॉजिक ये है कि सल्फर जो होता है एंटी एचिंग एजेंट है, और बहुत आसानी से आपको अवेलेबल भी होता है हर दुकान पे, तकरीबन पंसारी की दुकान से मिल जाता है। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑल इच क्योरिंग क्रीम्स, यानी कि जितनी भी आप चले जाए ना किसी भी स्किन वाले डॉक्टर के पास, उसे कहें कि मेरे दाने वगैरह निकले हुए हैं, तो आपको जो क्रीम्स वगैरह देगा उसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो सल्फर ही होता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से लोग जो तो पढ़े लिखे हैं वो आपको यानी कि ये उनको पता है केमिस्ट्री है इसके विषय, जिनको नहीं पता वो इसको जादू समझते हैं या फिर करामात समझते हैं जी बाबा जी। तो ये था हमारा लास्ट, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस बता दी जाए, साइंस और इल्म की इम्पोर्टेंस आपको बता दी जाए, कि आपके दिमाग के अंदर हर चीज अल्लाह ने आपको ऐसा दिमाग दिया आप हर चीज कर सकते हो, सिर्फ आपको इल्म होना चाहिए, ना कि आप किसी ऐसे लोगों के पीछे पड़ जाओ जिनको खुद अलिफ बे भी नहीं पता और आपको बुद्धू बना रहे हैं, ठीक है जी। थैंक यू।